नमस्ते चरणारविंद हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुम्म सुमतीर रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुत मंद मतीर दयांगवरा तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णम श्रुदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतम स्वरूपम जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मय दयातरहोऽभिनेदुम् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद एक बार हाथ उठा के बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 और एक बार जोर कर दो मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमाद भक्ति श्रीजो सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे राधा रानी की जन्म महोत्सव को, लेकिन कुछ कुछ लोग प्रश्न करते हैं जैसे वृंदावन में जाओ किसके नाम लेते हैं सबके सब, जोर से बोलो, सब वृंदावन में राधा रानी का नाम लेते हैं। कहते आप इतने राधे राधे बोलते हो, कहते ये भागवत ग्रंथ तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जितने वेद पुराण उपनिषद महाभारत का सार ये भागवत है, पर ये भागवत में राधा रानी का नाम क्यों नहीं दी गई, अब कर इतने राधे राधे हो। जैसे हम लोग अभी जो हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, ये हरे मतलब क्या होता है, हरे मतलब होता है श्री राधा रानी, पर भागवत में तो राधा जी के नाम होनी चाहिए ना, इसलिए कुछ लोगों का ये प्रश्न है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायी जितने लोग हैं वो कहते हैं भागवत में राधा रानी के सिवाय और किसका नाम है ही नहीं, भागवत में तो केवल राधा ही राधा कुछ है ही नहीं, इसलिए ये ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। श्री मतलब होता है श्री राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम, बल ये भागवत नहीं, ये राधा रानी का प्रेम ही ये भागवत में वर्णना की गई है। एक उदाहरण देते हैं, कोई एक सेठ था, वो सेठ तो खूब पैसा कमाता है, लेकिन सारे पैसा किसको देता है, सेठानी को, सब पैसा मिलता है कि नहीं तुम लोगों के पास में आता है, इसलिए पैसा सेठ कमाता है लेकिन पैसा किसके पास में रहती है, वो सेठानी को पास में। अभी वो सेठानी सारे धन दौलत रुपया हीरे जवाहरात को क्या करती हैं, सब ड्रेजेट में आलमारी में सजा सजा कर रखती हैं। एक दिन क्या हुआ, वो जो सेठानी थी वो हो गई पागलिनी, पागलिनी हो गई तो जितने हीरे जवाहरात था और जितने लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी थी आलमारी से निकाली और मेन रोड में उसने फेंकने लग गई, और जितने दुखी दरिद्र थे ना
और सबके सब हीरे जवाहरात उठाए और सबके सब माला माल हो। बोलिए सेठ कौन है? बोलिए सावरिया सेठ है। ये तो खूब भक्ति कमाता है, प्रेम कमाता है, लेकिन इसकी भंडारी का इसको पास में श्री राधा रानी को पास में सारे संपत्ति कृष्ण की श्री राधा जी को पास में। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में पागली नहीं बनी, पागली नहीं बनकर क्या हुई, छत के ऊपर में गई और वो कृष्ण प्रेम को उसने लुटाने लगी। जब लुटाने लगी आप और हम सबके सब कौन हैं? कृष्ण प्रेम के, कृष्ण भक्ति के हम कंगाल हैं। फिर हमने गड्डी के गड्डी हीरे जवाहरात उठाए, हम सबके सब माला माल हो गए। इसलिए कहते हैं जो श्रीमद् भागवत है, कहते ये श्रीमद् भागवत नहीं, ये राधा रानी अपना प्रेम को जैसे कथा सुन रहे हो। आप कथा को नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? सबके सब राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके जो कृष्ण भक्ति रस को जो लुटा रही ना, हम सबके सब यहाँ पर लूट रहे हैं। इसलिए भागवत कथा नहीं सुन रहे हो। इसलिए ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवत। अभी प्रश्न होता है, अरे भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में क्यों नहीं? यहाँ पर स्पष्ट रूप में देना चाहिए ना। तब इसका कुछ कारण हमारे टीकाकार कहते हैं, कहते राधा रानी ये पूर्ण प्रेम स्वरूपिणी से राधा रानी। कह जब सुखदेव गोस्वामी जब एक बार श्री राधा रानी का नाम लेते थे, बोले छोड़ा मारसी के मूर्छा भगत, वो छः महीना तक तो बेहोश हो जाते थे। लेकिन तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को 7 दिन को अंदर में ही कथा सुनाना था, लेकिन अगर एक बार राधा जी का नाम लिया 6 महीना बेहोश हो गए, फिर कथा कैसे सुनाएंगे? इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम यहाँ स्पष्ट रूप में नहीं लिया। ये पहला कारण है। क्या दूसरा कारण क्या? जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत बोलने जा रहे थे, तब उन्होंने राधा रानी से पूछे, हे राधे आपका नाम को ये भागवत ग्रंथ ग्रंथ में हम किस रूप में ले? ये राधा जी की आदेश है। देखो सुखदेव, मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में मत लिया करना। अगर लेना तो मेरे नाम को तुम छुपा करके लिया करो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहीं सखी रूप में, कहीं लक्ष्मी रूप में, कहीं प्रिया रूप में, कहीं बधु रूप में, कहीं गोपी रूप में उन्होंने नाम लिया है। क्योंकि अगर प्रेम अगर छुपा हुआ हुआ ना, उसका शोभा बढ़ता है। अगर प्रेम का अगर खोल दो, जैसे पिपरमेंट होता है ना, जैसे सेंट होता है, अगर टीपी खोल दो तो क्या होगा, वो उड़ जाएगी। इसलिए प्रेम को जितने छुपा करके रखोगे, वो प्रेम का उतना ही महत्व रहता है। इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम को उन्होंने स्पष्ट रूप में उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ही, आप लोग मेहंदी लगाते हो? कौन कौन लगाते हो मेहंदी? सब लगाते हो। आप लोगों ने मेहंदी पत्ते देखे हो? लगता है अभी तो बना बनाया हुआ मिलता, पहले क्या होता था, पत्ते होता था उसको पीस पीस करके फिर लगा देते हैं। लेकिन मेहंदी पत्ते किसने किसने देखा? आप बताओ मेहंदी पत्ता का रंग कैसे है? हरा है। लेकिन वास्तव रूप में जो हरा है क्या है? लाल है। लेकिन ऊपर से क्या दिखती है? हरा हरा। फिर आप लोग उसको पीसते हो हैं, पीस करके तभी वो हरी हरी दिखती है। लेकिन जब हाथ में लगा दे तो फिर कौन सा रंग हो जाता है? लाल हो जाता है। कहते उसी तरह जैसे ये भागवत को ऊपर से देखोगे ना, ये तो हरा हरा दिखता है। हरा हरा मतलब क्या? ऊपर में कृष्ण 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 देखेगा, लेकिन उसका अंदर अंदर में देखोगे ना, उसका अंदर अंदर में देखो वो हरा नहीं है, वो क्या है? लाल। लाल मतलब ऊपर में तो कृष्ण है, लेकिन अंदर में देखोगे श्री राधे ही राधे। इसलिए भागवत में ऊपर ऊपर से देखोगे ना, जैसे दशम स्कंध की कथा हम सुनेंगे, हम केवल कृष्ण ही कथा देखेंगे, लेकिन कृष्ण कथा तो है, लेकिन अंदर में झांक करके देखोगे वो कृष्ण कृष्ण नहीं, अंदर में कौन है? राधे राधे। कहते राधा रानी क्या है? बोले आत्मा तो राधिका एव, बोले कृष्ण का जो आत्मा है ना, वो श्रीमती राधा रानी। इसलिए यहाँ पर राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं। इसकी 14 कारण बताए। बोले जो राधा जी की भक्ति दुर्लभ भक्ति,
कृष्ण भक्ति आसान है। उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक नदी का पानी बह रही है, अब देखना एक जानवर भी पी लेता है, एक चिड़िया भी पीता है, एक इंसान भी पीता है, लेकिन अगर कुएं में कोई पानी हो ना, वो पानी को सब व्यवहार नहीं कर सकते। और जो नदी में जो पानी बहती है, देखना कोई स्नान कर रहे हैं, जानवर भी नहा रहे हैं, कोई कपड़ा साफ कर रहे हैं, सब उसमें बहते हुए जा रहे हैं। लेकिन जब कुएं का पानी देखोगे ठंडा पानी, और वो पानी निर्मल पानी है, कोई मिलावट नहीं है, कहते तो वो पानी को कौन पी सकता है? बोले जिसको पास में कोई रस्सी और कोई बाल्टी व कोई पात्र होना, वही व्यक्ति ही कुएं में डाल करके पानी को पी सकती है। मतलब क्या है? बोले जो कृष्ण भक्ति वो आसान है, लेकिन जो राधा जी की भक्ति है ना, वो आसान भक्ति नहीं, वो दुर्लभ भक्ति है। फिर राधा रानी का भक्ति कौन कर सकता है? बोले जिसको पास में कोई रस्सी कोई पात्र होना, इसका तात्पर्य क्या है? बोले जब तक की कोई रस्सी कोई शुद्ध वैष्णव परंपरा में हम नहीं जुड़ेंगे, भैया राधा रानी का भक्ति इतने आसान नहीं, इतने आसान से राधा जी की भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं राधा जी की चरण इतने दुर्लभ है। बोले ब्रह्मेश्वरादिषु दुरुह पदारविंदम श्रीमद पराग परमाद्भुत वैभवाया। कहते राधा जी की चरण इतने दुर्लभ है। कहते ब्रह्मा जी, आप लोग बरसाना गए हो? कौन कौन बरसाना गए? आप देखना जब बरसाना जाओगे, वहाँ पर देखोगे जो सारे सीढ़ी को बार करोगे ना, इस तरफ में देखोगे ये ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली है। ब्रह्मा जी 60,000 साल ब्रज में पत्थर बन करके उन्होंने तपस्या की। शंकर जी वृंदावन गए, कौन कौन वृंदावन गए? गोपीश्वर महादेव को देखो, देखे हो गोपीश्वर महादेव की नहीं देखे? शंकर जी राधा जी की कृपा पाने के लिए, रास में प्रवेश करने के लिए, आप और हमारी बात छोड़ दो, श्री शंकर जी गोपी बन करके आए, लेकिन तब भी वो शंकर जी प्रवेश नहीं कर पाए, उनको निकाल दिया चोटी पकड़ करके। इसलिए वृंदावन में चौकीदारी का काम भोले बाबा कर रहे हैं, जो सत्यम शिवम सुंदरम। कहते उद्धव जी ब्रज की गुलमल लता होकर के जन्म लेना चाहते हैं, लक्ष्मी जमुना के उस पार में अभी भी बैठ करके तपस्या कर रही है राधा रानी की कृपा को पाने के लिए। इसलिए भैया राधा जी की भक्ति दुर्लभ भक्ति है। इसलिए कृष्ण भक्ति सहज है, लेकिन राधा जी का भक्ति दुर्लभ है। इसलिए हम लोग जो ये हरे कृष्ण नाम लेते हैं ना, सभी बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे पहले हम लोग हरे कहते हैं। हरे मतलब जो कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को जो अपना भक्ति और प्रेम से जो हरण करती है, वो हरे मतलब श्री राधिके। पहले हम श्री राधा जी का नाम लेते हैं, उसको बाद में हम कृष्ण नाम लेते हैं। क्यों? बोले जब तक राधा जी की कृपा नहीं हो ना, तब तक कन्हैया भैया कृपा करने वाले नहीं। अब देखना कृष्णा तीन जगह से टेढ़े, देखे कि नहीं कृष्ण टेढ़े? इसलिए उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी टेढ़ी है, लेकिन हमारी राधा रानी बड़ी सीधी साधी, राधा रानी बड़ी सीधी साधी, इसलिए इनकी भक्ति भी सीधी साधी। मतलब राधा रानी जल्दी से जल्दी राधा रानी खुश हो जाते हैं। देखो एक छोटी सी कथा सुन लो, अगर वृंदावन में किसी तरह से कोई पहुँच जाए, राधा जी का नाम किसी तरह से भी आप कर लो ना, राधा रानी कैसे कृपा करती है। ये सही घटना, वो ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं, 40-50 साल पहले की बात है। बोले एक समय क्या हुआ, एक व्यक्ति का पत्नी का नाम थी किशोरी, लेकिन वो देखने में बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी और बड़ी पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद में क्या हुआ, कोई बीमारी में पड़ी तो उसने अपना प्राण त्याग कर दिया। लेकिन बड़ी पतिव्रता देखने में बड़ी अच्छी थी, पत्नी उसको पर पति बहुत ही आसक्त था, लेकिन जब उसने प्राण त्याग कर दिया, उसका पति उसकी चिंता करते करते ना पागल हो गया। अब दिन रात ही कहती, हाँ किशोरी तू कितनी अच्छी थी, हाँ किशोरी तुम कितने प्यारी, तुम कितने सेवा करती थी, हाँ किशोरी तू कहाँ चली गई। दिन रात किशोरी 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 बोलता है।
ऐसे करते करते किसी तरह से वो वृंदावन में आया। वृंदावन में तो आया तो पत्नी की चिंता में दिन रात उसको नींद नहीं। अभी रात में हाथ ईश्वरी कर रहे हैं, लेकिन ये वृंदावन में आप जाना देखना किशोरी किसको बोलते हैं, किशोरी राधा रानी को सब किशोरी किशोरी कहते हैं। अभी ये पागल आया तो दिन भर नींद नहीं, लेकिन राधा रानी अभी भी वृंदावन में लीला करते हैं। अभी भी ठाकुर जी वहाँ पर राधा रानी अभी भी रास रचाती है। तब राधा रानी अपना सखियों को लेकर के आए लीला करने के लिए। इतने में देखा कोई व्यक्ति, हाँ किशोरी तुम कहाँ चली गई, हाँ किशोरी तुम कितने अच्छी थी, हाँ किशोरी चित्कार कर रहा है, रात भर सोया नहीं। राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, राधा रानी अपना सखी को कहती, सखी देख कोई व्यक्ति मेरे वृंदावन धाम में आकर के मेरी नाम को पुकार रहे हैं, बेचारा सोया नहीं देखो रात भर। इतने में जो सखी थी ना, ले तू चुप हो जा, तेरे नाम थोड़ी ले रहा, वो तो अपना पत्नी का नाम थी किशोरी, काम उम्र में मर गई तो पत्नी में बड़ा आसक्त था, वो अपना पत्नी का नाम का ले रहे, तेरे को नहीं ले, तू चुप रह, तेरे नाम नहीं ले रहे। लेकिन तो हाँ किशोरी चित्कार कर रही। अब देखना अगर दो व्यक्ति का एक नाम हो ना, दो व्यक्ति का अगर एक नाम हो, अगर आप एक व्यक्ति को बुलाओगे ना दूसरा व्यक्ति आवाज देगा, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, क्या तुम्हें मुझे बुला रहे हो। लेकिन किशोरी तो राधा जी के नाम है, बारंबार जब किशोरी किशोरी बोल रही थी, इतने में राधा रानी के कान में बारंबार टकरा रहा था, शायद मेरे कोई बुला रहा है, मेरे कोई बुला रहा है। राधा रानी को रहा नहीं गया, राधा रानी अपना सखी से बोले, देख सखी भले ही वो अपना पत्नी को बुला रही है, लेकिन ये नाम किसकी है, ये नाम मेरा नाम है, अरे मेरे नाम उसको धराया गया, लेकिन नाम तो मेरी है ना, और मेरे धाम में आकर के और मेरे नाम को ले रहा है, भले ही अपना पत्नी को क्यों नहीं बुलाए, जब उसको लेकर के आ गया। तो वो सखी जा करके वो पागलों को लेकर के आते हैं, जब आते हैं ना राधा रानी उसको ऊपर में कृपा करती है, हाथ रख देती है सर पर, लेकिन था तो एक पागल, जब राधा रानी का हाथ लगा ना वो दूसरा पागल हो गया, किससे भी पागल हो गया, उसने कृष्णा प्रेम की पागल हो गया। इसलिए कहते हैं कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने सारे पागल सब झूठे पागल है, लेकिन ये सच्चे पागल कौन है, जो पागल है श्री राम के बिहारी के। इसलिए पागल बनना तो किसी में पागल बननी चाहिए, राधा रानी की कृष्ण के प्रेम में हमें पागल बननी चाहिए। इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु हमारे श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाने पर इसलिए सबके सब किसके नाम लेते हैं, जोर से इसके मुंह से आवाज निकल रही है, सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए भागवत में सर्वत्र राधा जी का नाम है, लेकिन वो जो नाम है ना वो छुपा हुआ, सबका नाम छुपा हुआ है। जब भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म हुए और गत कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, पुतना मासी भी आ गई थी, पुतना मासी भी आ गई थी, लेकिन उन्होंने कृष्ण ने पुतना को भी उधार किया। लेकिन जब श्री नंदोबा गए थे मथुरा कंस को कर देने के लिए, लेकिन जब उन्होंने आए ना उन्होंने सारी कथा को सुना, ये पुतना कैसे बड़ी सुंदरी सधज करके आई थी, लेकिन आई थी तो पुतना सधज करके जब निकली ना राक्षस निकली। नंद बाबा ने कहा देखो सावधान, अंदर में एरे गेरे व्यक्ति को घुसने मत दिया करना, अगर कोई आए ना उसको गेट को बाहर रखना, मैं नहीं तो जसोमती को आदेश के बगैर अंदर में कोई घुस नहीं सके, सावधान रहना। अभी एकदम जो चौकस एकदम अच्छे तरह से वहाँ पहरा धर लगा दिया। इतने में भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए, शंकर जी जब दर्शन करने के लिए आए, शंकर जी का ड्रेस आपको पता होगा, वैसे तो शंकर जी को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन कहते तो सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन आप देखोगे ना शंकर जी का जो ऊपर का जो ड्रेस बेस है बड़ा अपवित्र है। आप बताओ शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं, कोई क्रीम नहीं लगाते हैं,
कोई पाउडर नहीं लगाते हैं, कोई चंदन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं शंकर जी बोलो, बबूत लगाते हैं, कहाँ के, कहाँ के, शमशान के बबूत लगाते हैं शंकर जी। क्या शंकर जी को क्रीम और पाउडर मिला नहीं कहीं? शंकर जी ये बबूत क्यों लगाते हैं शमशान की? देखना अक्सर करके जो शंकर जी है ना वो शमशान को पास ही नहीं रहते हैं। जब संसार को शमशान को पास में रहते हैं, आप लोग देखना जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़े उसको चार व्यक्ति कंधे पर रख करके ले जाते हैं और क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलते ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते बोलते ले जाते हैं। लेकिन कब तक ये राम नाम सत्य कहते हैं आप देख लेना, जब तक कंधे पर वो सब होता है, लेकिन जब उसको उतार देते हैं ना नीचे, फिर राम नाम सत्य नहीं, फिर अपना बीवी सच्चा है, धन दौलत सच्चा है, दुनियादारी सच्चा, जब तक कंधे पर रखते हैं राम नाम सत्य कहते हैं। आप देखना जो व्यक्ति उनको दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं वो थोड़ी समय के लिए उनका हृदय में संसार का प्रति वैराग्य आता है। बोले क्यों वैराग्य आता है? वो देखते हैं इतना अरब खरब पति था लेकिन मरते समय साथ में एक भी पैसा नहीं लिया, सब कुछ छोड़ करके गए, फिर चिता को ऊपर रख कर उसको जला दिया। जब उसको खोपड़ी नहीं जलता है ना, डंडे मार मार कर खोपड़ी को जलाते हैं, ये सब चीज देख करके ना थोड़ी समय के लिए सबका हृदय में वैराग्य आता है। बोले सचमुच से संसार में कुछ है ही नहीं, वो व्यक्ति क्या लेकर गया, सब कुछ छोड़ कर गया। इसलिए जगत में अगर सच्चा है तो भगवान की नाम ही सत्य है, जगत में सबके सब झूठा है। इसलिए शंकर जी ना वहाँ बैठ बैठ कर सब देखते रहते हैं कैसे एक एक बच्चे अरबपति खरबपति कैसे ला करके वहीं पर जला करके जाते हैं और सबके सब राम नाम सत्य करते करते कैसे ले जाते हैं। शंकर जी बैठ बैठ करके सबके सब देखते रहते हैं, इसलिए शंकर जी को मन में वैराग्य आ जाता है, संसार में कोई किसका है नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी बोले पंचमुखे राम नाम कान त्रिपुरारी, बोले शंकर जी महामंत्र जयी जपत महेशा। इसलिए शंकर जी अपना पंचमुख में हर समय भगवान के नाम को ही जप करते हैं शंकर जी, क्योंकि वो देखते हैं सामने एक एक करके आकर के शरीर छोड़ते हैं और सबके सब जला करके जाते हैं। इसलिए जगत में सब झूठा है, अगर सत्य हो तो भगवान के नाम ही सत्य है। इसलिए शंकर जी पंचमुख में एक बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम। एक बार बोलो जोर से शंकर जी शमशान की बबूती को लगाते हैं, मानव शिक्षा देते हैं। भैया जिस शरीर को तो ब्यूटी पार्लर में लेकर सजा देना, इतने क्रीम लगाते हो, इतने बढ़िया बढ़िया साबुन लगाते हो, जिम में जाकर इसको जिम करवाते हो, चबन क्रास क्रास खाते हो, इसका परिणाम जानते हो क्या है? ये शमशान में आकर के दो मुठी राख ही बने और कुछ भी बनने वाले नहीं। इसलिए शंकर जी और राख को देख देख करके ना उनको याद आता है भैया नाम तो भगवान की ही करनी चाहिए, इसलिए शंकर जी वहाँ पर बैठते हैं। इसलिए शंकर जी के सर के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है बोलो, जूही बेली चमेली फूल नहीं, जो जंगल में अपने आप होता है और धतूरे और आकंद का फूल, जो एकदम जहरीले फूल है। क्या शंकर जी क्यों ये बढ़िया बढ़िया फूल सर में क्यों नहीं चढ़ता है? शंकर जी कहते हैं मैं तो पांके बिहार का सेवक हूँ, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, जितने बढ़िया बढ़िया फूल तो मेरे प्रभु को सेवा में लगे, मैं तो उनका सेवक हूँ, जो वो ग्रहण नहीं करते ना जंगल में अपने आप होता है। देखना ये फूल कभी कृष्ण राम को नहीं चढ़ाते लेकिन शंकर जी वही फूल को ही शंकर जी ग्रहण करते हैं। शंकर जी कहते शंकर जी का अलंकार किया है बताओ, कोई सोने चांदी देखे शंकर जी पहने हुए? शंकर जी क्या पहनते हैं बोलो, देखना गले में हाथ में सब जगह में साथ ही साथ है। कहते ये सर्प कौन है?
कभी साधारण साध नहीं है, ये साक्षात अनंत देव है जिसने संपूर्ण पृथ्वी को अपना सर के ऊपर धारण करके रखे। बोली ये अनंत देव कौन है? कभी ये शंकर जी के गुरु है। इसलिए शंकर जी दुनिया को शिक्षा देते हैं, अगर जीवन में कोई आभूषण बनाना चाहते हो, ये सोने चांदी नहीं आभूषण बनाओ तो गुरु जी की उपदेश को ही आभूषण बनाओ। अब देखना जितने आभूषण नाक में बेसर तक भी जो शरीर छुप जाता है ना, देखना सब लोग रोते हैं, सब लोग रोते हैं। अगर माँ की नाक में एक बेसर हो ना, अगर एक बेसर हो ना, बहुत इधर रोती है, सांस चली गई सांस चली गई। लेकिन बेटे के कान में कहते ध्यान रखियो मैया की नाक में बेसर है, इसको निकाल देना, उसको भी निकाल देना। मतलब ये बेसर भी हमारे साथ में नहीं जाएगी, यहीं पर सब छोड़ कर भी जाओगी। लेकिन साथ में क्या जाएगा? साथ में जाएगा जितने गुरु जी की उपदेश को जितने हम अपना श्रृंगार रूप में धारण करेंगे, वही वस्तु हमारी साथ में जाएगी। इसलिए शंकर जी की देखना गले में बिच्छू सांप लटकते हुए देखोगे, जटा जूट पहनते क्या कोई रेशमी वस्त्र नहीं, व्याघ्र चर्मों को शंकर जी धारण करते हैं। इसलिए शंकर जी भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए श्री भोले बाबा आए, अलग निरंजन करते करते आए। जब आए वहाँ पर एक दासी थी, बोले बाबा क्या चाहिए? बोले मैंने सुना मैया जसोदा का घर में के लाला भाई हो। बोले लाला भाई को तेरे कहाँ भयो है? बोले लाला को दर्शन करा दो, लाला को दर्शन करा दो, हम एक बार उनको दर्शन करना चाहते हैं। उसने जा करके मैया जसोदा को बोले, बोले जसोदे कहीं से एक बाबा आया है, वो कहता है लाला को दर्शन करना चाहता है। लेकिन उसको देख करके मैं तो डर गई, इसलिए तुम जा करके देखो। इतने में मैया जसोदा आती है, जसोदा आकर के शंकर जी को तो देख करके मैया जसोदा डर गई, क्योंकि शंकर जी का जो ऊपर का जो वेश था ना, बड़े भयंकर वेश था जिसको देख रहे। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले मैंने सुना तुम्हारी घर में के लाला भयो है, थोड़ा लाला को दर्शन करा दे, मैं बढ़िया आशीर्वाद दूंगा उसको। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना मासी आ गई थी, वो तो बड़ी सुंदर सज धज करके आई थी, लेकिन निकली वो राक्षसी, वो तो देखने में बड़ी सुंदर थी। बोले तू तो देखने में तेरे को मेरा धड़कन तेज हो रहा है देख करके, मेरे लाला को तो बड़े जल्दी जल्दी नजर लग जाती है, लाला का दर्शन नहीं होगा। सोना चांदी हीरे जवाहरात जो लेना तू ले और अपना रास्ता को तू दे, लाला का दर्शन नहीं होगा। इतने में मैया तो कृष्ण को लेकर के छुपा करके कोने में छुपा दी। इतने में शंकर जी वहीं पर ध्यानस्थ होकर बैठ गए, प्रभु जी को पुकार रहे, प्रभु बड़े दूर से आया हूँ, एक झलक मुझे दर्शन दे दो। लेकिन शंकर जी कौन है? ये भगवान के जितने भक्त हैं, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ भक्त ही भोले बाबा है भगवान की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीप सम को रघुपति व्रतधारी, मतलब शंकर जी के बगैर, शंकर जी के सिवाय जगत में ऐसे कौन भगवान की भक्त हो सकते हैं? क्योंकि हर अवतार में श्री शंकर जी आते हैं। इसलिए जब भगवान राम बन करके आए, आप बताओ भोले बाबा क्या बन करके आए थे? अरे बोलो, कोई बोल नहीं पाते क्या? ये हनुमान जी है, क्या कर रहे थे? राम की सेवा का सेवा तो कर रहे थे ना। इसलिए जब कृष्ण बन करके आए, शंकर जी कैसे आए? ये गोपीश्वर महादेव बन करके और ये भोले बाबा प्रभु का दर्शन करने के लिए आए। जब चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, ये अद्वैत आचार्य बन करके भगवान को उन्होंने अवतार उन्होंने करा दिया है। इसलिए ये शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त है और भगवान बड़े भक्त वत्सल। इतने में कृष्णा बड़े जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जितने उनको थपथप लगा करके सुलाए उतना जोर जोर से चीख चीख कर रो रहे थे। बोले भैया क्या हो गया, लाला का रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है? एक गोपी ने बोली, वो जो बाबा है ना वहाँ बैठा हुआ आँख बंद करके, वो कहता है लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना, यहाँ से हटने वाला नहीं हो। डंबर जोर जोर से बजा रहे थे और जितने शंकर जी जोर जोर से डंबर बजाए और कृष्ण को कान में पड़ते उतना जोर जोर से रोए।
इतने में मैया ने क्या की, मोटी मोटी काजल लगा दी, यहाँ काजल का बूंद लगा दी, काले कपड़े से ओढ़ करके नजर नहीं लग जाए, बड़ी कठिनी से लेकर के आती है। भले बाबा तो बड़े ढीठ हो, ले लाला को दर्शन कर ले। जब उन्होंने काले कपड़े से खोल दिया ना, बस कृष्ण तो रो रहे थे, खिलखिला कर हंसने लगे। शंकर जी हंस रहे तो रोने लगे। मैया बोली, बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का रोना देख करके अपना हंसना लाला को दे दिया, ये जरूर कुछ जानता है। बोले बाबा तेरे को कुछ जादू टोना आता है? बोले हाँ। बोले क्या है? बोले मेरे लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई दवा है? बोले एक काम करो ना, कभी नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले मैं यहीं बैठा रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। जब जब तुम अपना लाला को तुम स्नान कराओगे, उनका जो चरणामृत ला करके मेरे सर पर डाल दे। बोले बाबा कर दूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे तो कभी नजर लगेगी नहीं। बोले बता दे। बोले अगर तुम बच्चे को जो भोजन कराओगे, जो पतल में बच जाएगी, उसको मेरे को दे देना। बोले बाबा सो कर लूंगा। देखो ये 5,500 साल पहले की बात है, कृष्ण जब आए। कोई नंदगांव गए हो? कौन कौन नंदगांव गए? हाथ उठा। कौन कौन नंदगांव गए? कोई गए नहीं है भगवान। आप लोग भारत के होकर करते हो क्या? यहाँ पर वृंदावन गए हो? देखना वहाँ पर अंग्रेजियों को, देखना अंग्रेजियों को। ये अंग्रेजी लोग लाख रुपया खर्चा करके, अभी ब्रजमंडल परिक्रमा कार्तिक आया, अब लाख रुपया खर्चा करके एक महीना पूरा ब्रज में ये दर्शन करने के लिए आए। कोई एक महीना, कोई दो महीना, कोई तो वृंदावन में पूरा वास ही कर रहे हैं जो विदेशी लोग हैं। तुम लोग तो यहीं के होकर के वृंदावन में नंदगांव दर्शना तुम गए नहीं। जानी चाहिए, समझ रहे हो? जीवन में एक बार जानी चाहिए। ये 84 क्रोश ब्रजमंडल है जहाँ पर ठाकुर ने जहाँ जहाँ लीला की। अगर कोई एक बार उसको दर्शन करना, परिक्रमा करे, उसको 84 लक्ष ज्वनि भटकना उसकी बंद हो जाती है। इतने महिमा ये ब्रजमंडल में परिक्रमा करने का करोगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। देखो इसको परिक्रमा करने के लिए जानते हो करीब करीब एक महीना लगती है, 1-1.5 महीना। लेकिन हमारी मंदिर से एक बाबा करवा रहे हैं, वो 8 दिन में, लेकिन 8 दिन में पूरा ये 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा लगाएंगे। 8 दिन में, लेकिन 8 दिन पूरा आपको गाड़ी में जाना पड़ेगा, क्योंकि पैदल में नहीं जा सकते, बहुत दिन लग जाएगा। 1-1.5 महीना लगती है इसको। 8 दिन में हमारी परिक्रमा लगेगा। अगर कोई जाना चाहते हो, ठीक कार्तिक महीना खत्म होते ही दूसरे दिन से वो परिक्रमा लगेगी। अगर किसकी इच्छा हो, आप लोग अगर आपका इनका नंबर दे देंगे, आप कंटैक्ट करेंगे तो मैं भी वहाँ पर रहूँगा। आपको पूरा पूरा 8 दिन में ये 84 परिक्रमा की ब्रजमंडल परिक्रमा लगेगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो एक चीज सीख कर के जाओ, जैसे कोई खाना हम बनाते, भोजन बनाते हैं, कोई भी किसी भोजन को किसी देवा देवी को पहले नहीं देनी चाहिए। देना चाहिए तो सबसे पहले कृष्ण को भोग लगाओ, नहीं तो भगवान राम को भोग लगाओ। लगा करके शंकर जी को हो, नहीं तो माता देवी के हो, नहीं तो हनुमान जी के हो, गणेश जी को हो, तभी वो प्रसाद देनी चाहिए। डायरेक्ट ना किसी देवा देवी को कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। नियम है देनी चाहिए ठाकुर जी को देनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे देखो हनुमान जी, अच्छे तरह समझो, हनुमान जी जब भगवान राम दरबार लगता है, बताओ हनुमान कहाँ बैठते हुए उठते हैं? बोलो जोर से, प्रभु की चरण में। इसलिए हनुमान जी राम के कनिष्ठ भक्त हैं। इसलिए जब तक भगवान राम को कोई भोग नहीं लगे, मैया जानकी कोई चीज ग्रहण नहीं करेगा ना। एक मन क्या, 1,000 मन अगर हनुमान जी को सामने लड्डू रख लोगे ना, हनुमान उसको तरफ कभी देखेंगे नहीं, क्योंकि वो राम के भक्त हैं। लेकिन कभी कभी लड्डू लेकर के हनुमान के मुंह में ठोसते, हनुमान कहा, अरे हनुमान क्या भूखे बैठे हुए, उनको खाना नहीं मिल रही। इसलिए अगर उनको खिलाना चाहते हो, शंकर जी परम वैष्णव है, माता देवी परम वैष्णवी है, हैं ये जगत में 33 करोड़ देवता सबके सब भगवान की सेवक और सेविका हैं। जब तक भगवान को कोई चीज भोग नहीं लगे, शंकर जी को सामने रखने पर भी शंकर नहीं खाते, माता देवी को देने पर, देवी वैष्णव भी है,
उनको सामने रखने पर भी माता जी को ग्रहण नहीं करती हैं। जब तक कोई भगवान राम और कृष्ण की सेवा में भोग में जब कोई चीज नहीं लगे, ठीक है ना, सबसे पहले कन्हैया को भोग लगा ना भाग्य बिहारी को, उसको बाद जैसे तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल होएंगे ना, लड्डू गोपाल को तुलसी पत्ता से भोग लगा ना, फिर वो प्रसाद को आप सभी को प्रसाद देनी चाहिए। अभी भी नंदगांव जाओगे ना, शंकर जी वहाँ बैठे हुए, वहाँ पर तो 5-6 शंकर बैठे हुए। जब भगवान मंदिर में सबसे पहले कृष्ण को भोग लगता है और उनको स्नान कराया जाता है, वो चरणामृत सीधा शंकर जी के मंदिर सर पर डालते हैं, जैसे कांवर लोग होते हैं ना गंगा पानी ले जाते हैं, शंकर जी के सर पर डालते हैं। गंगा कौन है? भगवान की चरणामृत है ना, इसलिए शंकर जी को भगवान की चरणामृत प्रसाद सबसे प्यारा, उनको ठाकुर जी प्रसाद है। बोले श्री भोले बाबा की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय धीरे धीरे बड़े हुए, बोले कितने बड़े हो गए, बोले कृष्ण अभी 3 महीना के हो गए। आप देखना बच्चे के जब 3 महीना होता है वो बच्चा करवट लेता है। एक दिन कृष्ण हठात उसने अपना करवट ले लिया, मैया तो खुश हो गई, लाला के शरीर में ताकत आ गई। कब करवट लेता है बच्चा? जब थोड़ी सी शरीर में ताकत आ जाए ना, बच्चा अपने आप करवट ले लेता है, वो लाला के शरीर में ताकत आ गया है। ए मैया तो बड़ी खुश हो गई, खुश होकर के राजा का बेटा है ना, मैया तो सुजोग ढूंढती हैं कब मौका मिले घर में उत्सव हो। तो उन्होंने जितने अड़ोसी पड़ोसी माताओं को उन्होंने बुला ली, आज मेरे लाला करवट लिए हुए, आज इसकी उत्सव मनेगा। जैसे घर में जितने सामान सबको उन्होंने ले करके एक बैलगाड़ी को रख दी, आंगन को साफ सुथरा कर दी, क्यों सब माताएँ आकर के बैठेगी और कीर्तन करेगी। इतने में कृष्ण को लेकर के ना स्नान करा के मैया वो बैलगाड़ी को नीचे बैठा दिया, नीचे लेटा दिया। बोले क्यों? बोले सब गोपियाँ आकर घर में कीर्तन करेगी, इसकी कच्चा नींद नहीं खुल जाए, फिर लोगों को मैं देखूँ ना, इसको मैं संभालूँ। सारी गोपियाँ इकट्ठे हो गई और ढोलकी मजरा ले लिया। अब देखना पहले कोई भी शुभ काम में शादी हो कुछ भी हो क्या करती थी माताएँ, क्या करती थी? सब ढोलकी मजरा लेकर के भगवान का कीर्तन करती थी। अभी भी वृंदावन में ब्रज में देखोगे कोई भी तिथि में, हम वहाँ रहते हैं ना, 1 महीना पहले से ही ठाकुर का कीर्तन शुरू कर देते हैं, भगवान की कीर्तन करना शुरू हो जाती है। हर तिथि तिथि में ठाकुर का कीर्तन नाम करते हैं। बोले कारण क्या है? बोले अगर कोई भी आप काम करो, देखना ठाकुर जी की नाम को लेकर करो ना, ठाकुर जी की नाम को लेकर करो, वो काम सबसे बढ़िया होता है। इसलिए कहते ना मंगल भवन, जोर से बोलो मंगल भवन। लेकिन अभी अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, अभी धीरे धीरे हमारी ये भारतीय संस्कृति नष्ट होने जा रहा है। नष्ट होकर के अभी डीजी पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा गंदी गंदी फिल्म का सब पिक्चर, फिल्म का सब गाना को अभी लोग यही सब गाना को चलाते हैं, उल्टा पुल्टा, जिसमें कोई भगवान की भजन भजन से कुछ मतलब नहीं। इसलिए शादी को पास में लड़ाई झगड़ा अशांति सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसलिए मैया ने क्या किया, सबको बुला करके हैं, जितने माता लोग आ गई बैठ करके ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे थे। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, jiyo shyam lala, jiyo shyam lala, dil tere pagle nikala, jiyo shyam lala, jiyo shyam lala, dil tere pagle nikala, jiyo shyam lala, jiyo shyam lala, dil tere pagle I'm gonna be a
जो परिवार के लोग इकट्ठे बैठ गए ना और गप्पे मारते हैं, इसलिए नियम है। इधर सुना, हमारे गुरुजी कहते थे अगर कथा सुनना हो आप जिसको नहीं जानते उसको पास में बैठा करो, जिसको जानते हो उसे थोड़ी सी दूर हो जाओ, क्योंकि जानते हुए व्यक्ति को पास में बैठे घर तो बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ देखो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जा रहे थे तब महाप्रभु ने सब भक्तों को बुलाए, बुला करके बोले देखो तुम लोग मेरे को प्यार करते हो, बोले हाँ आपका हम प्यार करते हैं, बोले अगर तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो, देखो महाप्रभु का भगवान ने उपदेश देकर जा रहे हैं, बोले कलयुग में मैं अपना नाम रूप में ही जगत में आया हूँ, इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है, मैं कलयुग में नाम रूप में आया हूँ, इसलिए अगर तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो, जैसे शाम को सबके सब काम धाम करके घर में वापस आ जाते कि नहीं, आ करके कहते हैं सबके सब थोड़ी समय के लिए एक कट्ठे बैठ जाए, बैठ करके अगर मजीरा हो ढोलकी हो अच्छी बात,
अगर ये भी नहीं होना, भगवान कहते हैं थोड़ी हाथ में ताली बजाते हुए थोड़ी समय घर में कीर्तन करो। जिस घर में थोड़ी सी ताली बजा कर कीर्तन करोगे ना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। आप स्वयं देख लेना, केवल 5-10 मिनट केवल बैठ कर कीर्तन करो, अगर दिन भर जो काम करते 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 कर थकते हुए आए हो, केवल 5-10 मिनट की कीर्तन करोगे ना, देखना माइंड फ्री हो जाएगा, जितने दुख सब के सब सारे दुख चल जाएंगे। और घर में जो अमंगल है थोड़ी समय कीर्तन करोगे ना, बस कीर्तन का ध्वनि जितने दूर तक फैलेगा सारे अमंगल वहाँ से दूर हो जाएगा। हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे, जैसे एक पत्थर उठाओ और उसको पानी में फेंको तालाब में, बताओ क्या होगा? अरे बोलो, उसमें लहरी आएगी, देखना। पर देखना लहरी आकर के अंतिम छोर को स्पर्श करेगा, फिर दो बार आता है तो फिर स्पर्श करेगा, हैं? क्या उसी तरह जब भगवान की कीर्तन करते हैं, इसकी ध्वनि जितने दूर तक जाए, जितने दूर तक इसका ध्वनि जाए, उतना दूर तो कोई पाप नहीं आ सकता है, कोई पाप नहीं आता है। इसलिए साइंटिस्टों ने एक समय रिसर्च किया, देखो विदेश में इस चीज़ का रिसर्च की, भैया क्यों कहते हैं ठाकुर को नाम में शांति मिलता है। देखो क्या रिसर्च की उन्होंने, 3 ट्रे लिया, 3 ट्रे में जो शाहतूत मूंग दाल उसमें रख दिया थोड़ा थोड़ा, और उसमें थोड़ी थोड़ी पानी दे करके 3 जगह अलग जगह पर, 3 जगह पर रखा, एक जगह तो वैसे जगह पर रखा, एक जगह में जहाँ पर भगवान के नाम क्या से भी चल रहा था ये हरे कृष्ण महामंत्र उसको रख लिया, और एक ट्रे को जहाँ ये रख म्यूजिक गद्दी गद्दी म्यूजिक वहाँ पर रख दिया, देखते हैं क्या होता है। देखा 3 दिन बाद में देखा वैसे जहाँ पर रखा था ना वहाँ पर तो थोड़ी सी अंकुर आई, लेकिन जहाँ पर ये भगवान के नाम चल रहा था वहाँ 2-3 गुना ज़्यादा अंकुर आया, और जहाँ पर ये रथ म्यूजिक चल रही थी एक भी अंकुर नहीं, सब मर गया, एक भी अंकुर नहीं आया। देखिए भैया भगवान का नाम तो बड़ा आनंद है, इसलिए शास्त्र में कहते हैं बोले सर्प रोग विनाशनम सर्प उपद्रव समनम शांतिदम ख्यातिरष्टम हरे नामान कीर्तनम। हरि नाम से क्या होता है बोले सर्प रोग उपशमनम। देखो हमारी गुरु जी की कोई शिष्यता, उसने नौकरी करता था, उसको पता चला उसको कैंसर हो गया, जब कैंसर हो गया डॉक्टर ने जवाब दे दिया 6 महीना के बच्चों को, कैंसर वालों को जवाब दे दे कितना दिन, जब देखा 6 महीना में बच्चों का, फिर तो ये नौकरी करके उन्हें रिजाइन दे दिया नौकरी से, नौकरी से रिजाइन घर में बैठ गए, और जी जो माला है ना उसने रोज रोज 1 लाख ठाकुर का नाम जप करना शुरू किया है, 64 माला 1 लाख नाम, जानते हो कितना दिन तक बचा? 16 साल तक बचा, जितने दिन तक बचना चाहे था उतना दिन तक बचा, आराम से बचा। इसलिए हनुमान जी बताओ दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, हनुमान जी नाम तो करते हैं ना, शंकर भी यही नाम जप करते हैं, सारे 33 करोड़ देवता सबके सब ठाकुर जी की नाम ही जप करते हैं, सबका हाथ में देखना एक एक माला है, सरस्वती का हाथ में 4 हाथ में माला देखोगे, ब्रह्मा जी को 1 हाथ में देखना माला, माता की देखना 8 हाथ में 1 हाथ में माला, ये सबके सब ठाकुर की माला जप करते हैं। इसलिए कहते हैं राम नाम की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई दिल्ली वाला नहीं दिल वाला, मतलब क्या है जिसका दिल मजबूत हो ना प्रभु का नाम जप करेगा, जिसका हृदय कमजोर हो नहीं करेगा। क्यों बोले का अगर भगवान का नाम जप करेंगे लोग बोले कि बाबा जी बन गया साधु बन गया तू भक्तानी बन गई हो, शर्म लगेगा उनको, वो प्रभु का नाम नहीं जप कर सकते हैं। लेकिन जिसका दिल मजबूत है ना तो वही व्यक्ति ही प्रभु का नाम जप कर सकता है। इसलिए माला जपी थी जसोदा माँ ने, मिल गया मुरली वाला, माला जपी थी गौरा माँ ने, मिल गया डंबर वाला, माला जपी थी अंजना माँ ने, मिल गया भजन के वाला, जपेगा कोई? बताओ दिल वाले कौन कौन, हाथ का तो कौन दिल वाले, बिना दिल के कौन दिल वाले, हाँ अगर दिल वाले होना क्या करना हरि की नाम जप करना, सब जैसे भगवान की नाम करना, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए जब भगवान की वहाँ कीर्तन कर रहे थे ठाकुर जी की, जहाँ कीर्तन ठाकुर जी वहीं रहते हैं, इतने में कृष्ण की कच्चा नींद खुल गई, देखो भैया मैं कहाँ पर हूँ, मेरे लिए ये कीर्तन हो रहा है, माताएं बैठ कर कीर्तन कर रही थी, और मेरे को कीर्तन से पता नहीं कहाँ बैलगाड़ी को नीचे लेकर सुला दिया,
लेकिन कृष्णा अभी कितने दिन के हो गए थे? अरे बोलो कितना दिन के? 3 महीना। आज ही कृष्णा करवट लिया है, लेकिन कृष्णा अभी उठना पर भी चलना सीखे नहीं, 3 महीना के बच्चे। लेकिन अभी कृष्णा सोच रहे हैं मैं अपना कीर्तन में जाऊं और कीर्तन का आनंद लूं। लेकिन कृष्णा तो केवल कितने दिन के कृष्णा, वो तो 3 महीना अभी कृष्णा आ नहीं पाए। अभी कृष्णा ने देखा अगर मैं जोर जोर से रोऊंगा, देखना जब बच्चा रोता है ना मैया क्या करती है, गोद में ले जाती है। सोचा अगर मैं जोर जोर से रोऊं मैया मेरे को गोद में उठा कर ले जाएगी, फिर कीर्तन का आनंद मैं भी थोड़ा लूं। लेकिन कृष्णा रोना शुरू किया, लेकिन वहां तो कीर्तन कर रही थी गोपियां, फिर मैया लेन देन में लगी हुई, कौन आया कौन आया किसको क्या देनी चाहिए, मैया की कान में रोने की आवाज पड़ा भी। कृष्ण ने सोचा भैया इतना तो रो लिया, कब तक रो, रोते रोते गला हाँ गला बैठ गया रोते रोते। इतने में जो कंस है कहते कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया ने कंस को प्रेरणा की, कंस ने एक दैत्य भेज दिया जिसका नाम था सकटासुर। कहते ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा जिसका नाम था उत्कर्ष, एक दिन उसने लोमर ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, वहां पर जो ठाकुर के लिए फल फूल लगा हुआ था उसने अपने उजाड़ दिया। तो बड़ा क्रोध आया ऋषि को, उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले ठाकुर जी इसलिए तेरे को मोटे छोटे बनाए, संतों की बात ठाकुर जी की फल फूल को नष्ट करने के लिए मैं अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तेरे इतने अभिमान है ये शरीर नहीं रहेगा तेरा। अरे बोलते ही धीरे धीरे शरीर गायब होने लग गया, सारी नशा उतर गई, ऋषि की चरण में गिर पड़े। बोले बाबा माफ कर दो, मेरी उधार कैसे होगा बताओ। बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे भगवान के चरण की ठोकर से तेरे को मुक्ति मिलेगी। इसलिए इतने में वो जो सकटासुर का शरीर नहीं था कंस ने भेज दिया कृष्ण को मारने के लिए, अभी सकटासुर आ गए। कृष्ण ऊपर में देखे बोले मामा जी आ गए, कंस मामा उनके संबंध से मामा लगते हैं। बोले मामा जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, उनका तो शरीर थी नहीं, उसने सकट जो बैलगाड़ी के ऊपर सवार हो गया। कृष्ण नीचे लेट रहे थे, सोचा धीरे 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 मैं क्या करूँगा, नीचे दबा दूंगा कृष्ण नीचे पीस जाएंगे। इतने में कृष्ण धीरे 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 अपना कोमल चरण को चलाया, चला चलाते ऐसे ठोकर मारे बैलगाड़ी में, पूरा बैलगाड़ी छिटक करके जाकर कहीं गिरा, और जितने उसके ऊपर दूध दही था ना सब के सब तसनस हो गया, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले आंधी तूफान नहीं गाड़ी पलटी कैसे, छोटे छोटे सखाएं सब देखा था, कृष्ण की चरण की स्पर्श से पलट गया। उन लोगों ने तोतली तोतली बोली से बोलने के लिए कोशिश की, लेकिन मैया मानी नहीं, क्यों, कृष्ण अभी 3 महीना के, बोले लाला अभी 3 महीना के, उनकी चरण की ठोकर से बैलगाड़ी कैसे पलट जाती है। फिर मैया ने कृष्ण को उठा कर ले गई, जो कीर्तन कर रहे थे ना उनको बीच में लेटा दी। फिर गोपियों ने जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम देखो जैसे भगवान का कथा सुन रहे हो आप लोग, हम कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हम सबका आनंद मिलता है। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? कृष्ण कथा में कीर्तन में, ये कृष्ण को जितने खुश लगता है, कृष्ण जितने प्रसन्न होते हैं ना उतना प्रसन्न कृष्ण कथा से कोई नहीं होते हैं। आपने सूरदास का नाम सुने जिनका भजन है मैया मोरी में नहीं माखन खाए, कहीं देखे होंगे जब सूरदास जी भजन गाते हैं ना कृष्ण चुपचाप आकर के सामने बैठ कर कृष्ण कीर्तन। अब लोग जयपुर को गए, जयपुर में गोविंददेव भगवान है, वहां पर एक संत हर साल में आकर कथा करता था। एक साल कथा करके गए, जब दूसरे साल में आए जितने श्रोता थे सबसे पूछा बताओ तो पिछली बार मैंने जो कथा की थी कहाँ तक मैंने कथा को विश्राम दिया था, उसको बाद से कथा सुनाऊंगा। बोलो कहाँ तक मैंने कथा को विश्राम दिया था? आज जो खाते हैं कल ही याद नहीं रहता है। अगर एक साल पहले कोई कथा सुनाए और सब के सब भूल गए, वो इधर उधर देख रहे हैं उधर मुंह को,
इतने वो संत ने कहा लगता है यहाँ कथा तुम लोग ध्यान से कोई नहीं सुनते, तुम लोग कोई यहाँ कथा नहीं सुनते। गोविंद देव का मंदिर से आवाज आई, बोले बाबा आप कैसे कहते हो कथा कोई नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ। आपने पिछले साल यहाँ तक आपने भागवत कथा की थी, इसको बाद से पर कथा शुरू हुई, इसलिए भगवान को जितनी अच्छी लगती है कथा, और दुनिया में किसी को इतना अच्छी भगवान नहीं लगती, इसलिए कृष्ण तो रो रहे थे अपना कीर्तन सुनने के लिए आए। जब कृष्ण को बीच में ले जाते हैं कृष्ण खुश हो गए, बोले तो मैं यही चाह रहा था, पहले अगर ले आते इतना हटखट थोड़ी करता नहीं हैं। देखो यहाँ पर शिक्षा क्या देते हैं, ये शिक्षा को लेकर के जाओ। कहते घर में अगर हम कोई उत्सव करते हैं जरूर भगवान के लिए कुछ किया करो, ऐसे नहीं सारा दुनिया को बच्चे का बर्थडे हुआ पालन कर रहे हो, साधक रहो शादी के साधक रहो, कितना सारा दुनिया को बुलाया, अपना बच्चे के लिए ड्रेस कितने बतानी बनाए, अपना लिए साड़ी खरीद किया, दुनियादारी आई सब के लिए किया। देखना घर में गोपाल जी बैठे हुए उनके लिए कुछ नहीं, जिसने सब कुछ तेरे को दिया है उसके लिए कुछ नहीं। वो दिन वो 10-15 दिन से 1 महीना से कपड़ा पहन करके कृष्ण बैठे हुए, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। और खुद क्या करते हैं, 3 बार अपना साड़ी बदलाते हैं, 3 बार दिन में अपना साड़ी कपड़ा बदलाते हैं। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया उसके लिए कुछ नहीं, सारा दुनिया को बुला करके प्याज लहसुन डाल करके पता नहीं कितने बोतल तुड़वाते हैं, कितने मां बकरा और कितने मुर्गा को मार करके सारा दुनिया को खिला रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नहीं था। जिसने सब कुछ तुमको दिया है, जिसने दुनिया है, जिसने सब कुछ दिया वो तो चुपचाप बैठा हुआ घर में, और जिसने जो नौकर को खिला रहे हैं मालिक बैठ गया पैसे वैसे। इसलिए कहते हैं कृष्ण क्यों ठोकर मारे, क्योंकि जो उत्सव हो रहा था उत्सव से कृष्ण को वहाँ से अलग कर दिया। कहाँ पर लेटा दिया, बैलगाड़ी को नीचे, और उसको घर उसको बैलगाड़ी के ऊपर में घर का सारे सामान को लग दिया, मतलब कृष्ण को कर दिया नीचे, और अपना सांसारिक वस्तु को कर दिया ऊपर, उत्सव से अलग कर दिया। भगवान को अभी तक दिखा था ऐसे लात मारना, ठाकुर जी जितने सब दूध दही था सब वे सब सत्यानाश कर दिए। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं अगर तुम घर में कोई उत्सव हो पहले दुनिया को मत दिखा करो, दुनिया तुमको कुछ भी देने वाले नहीं, बदनाम सिवाय दुनिया तुमको कुछ भी नहीं देगा। जितने बढ़िया से बढ़िया उनके लिए खाना बनाओ, जब जाएंगे ना अला इसमें नमक ज़्यादा था, उसमें मिर्च ज़्यादा हो गया था, वो सब्जी ठीक नहीं था, जाते समय ना चुगली करते करते तुम्हारी जाएंगे, वो चुगली करते करते तुम्हारी जाएंगे, लेकिन भगवान को जैसे भी खिला दो ना ठाकुर वैसे ही खुश होकर खा लेते हैं। सुदामा जी ठाकुर को 2 मुठे चिड़वा दिया, ठाकुर ने क्या किया, त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी को, त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दे दिए, 2 मुठे चिड़वा की परिवर्तन में भगवान की अंगुल कट गई। द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके उनकी अंगुल को ठाकुर जी के अंगुल को बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे हैं देखो आपने साड़ी भी फाड़ दिया और मेरे अंगुल को बैंडेज किया, कब इसका मैं ऋणी कम चुका हूँ, इसका ऋणी मैं कम चुका हूँ। भगवान सोच रहे हैं, जब भरी सभा में लाज जा रही थी, महाभारत देखे हो, कौन कौन महाभारत देखे, द्रौपदी का वस्त्र कौन कौन देखे हो, सब देखे हैं ना, द्रौपदी कितने पति थे, 5 पति थे। उसी समय सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम था, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी कौन था, अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में सहदेव था, ये युधिष्ठिर महाराज, और तलवार युद्ध में सहदेव और नकुल, इनके बराबर योद्धा दुनिया में नहीं थे। लेकिन जब वस्त्र हरण हो रही थी आप बताओ 5-5 पति कोई काम में आए, अगर किसी जगत में हमारे कोई एक पति हो ना, कोई बढ़िया पोस्ट में हो, बढ़िया पैसा कमाता हो, छाती फुला करके चलेंगे हर पति है, लेकिन उसी समय में 5-5 पति लेकिन कोई काम में नहीं आए। बताओ काम आए तो कौन आए, कौन आए काम में, ठाकुर जी आए। इसलिए तुम भी समझो हमारी अंतिम समय में कोई भी हमारे काम में नहीं आएगी, आएगी तो काम में कौन आएगा, ठाकुर जी आएंगे। जब उसने 2 हाथ उठा करके हे गोविंद नाथ शरण अब जीवन हारी, जब दोनों भुजा को उठाए ठाकुर जी इतने वस्त्र दिए, दुशासन 10 हजार हाथी का ताकत, साड़ी खेचते खेचते पहाड़ पहाड़ हो गया, लेकिन 10 हजार हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 जैसे साड़ी खत्म नहीं हुआ। लास्ट में देखे होंगे दुशासन लास्ट में गिर पड़ा,
इसलिए यहाँ सिखा देते हैं, घर में कोई उत्सव हो ना, आप बोलेंगे नहीं ठाकुर जी के लिए तो ड्रेस है, कितने 10 सेट ड्रेस है, तुम देखो तुम्हारी अलमारी में कितना कपड़ा तुम्हारे देख लो, कितने सेट तुम्हारी कपड़ा देख लो है। अगर शादी की सालगिरह आ जाए ना, पति को अगर बोलेंगे हमको नया साड़ी चाहिए, पति अगर बहाना बनाएगा, अरे मेरे पास में समय नहीं, दे दो मेरे को पैसा, दे दो मैं खुद गलती करके ले जाऊंगा, तुम्हारे पास में समय नहीं होता है। इसलिए पहले किसको देखो, पहले अपना को मत देखो, किसको देखो, पहले ठाकुर जी का देखो। देखो आपने देखो एक सही घटना बताता हूँ, हमारे वृंदावन मंदिर में एक दिल्ली से एक रमेश नगर है, वहाँ से हर महीना में एक माता जी हर महीना आती थी, लेकिन उसको 2 बेटे विदेश में थे, 2 बेटे भारत में थे। माता को जैसे हाथ की खर्चा देते हैं, उनको हाथ की पैसा देती थी, लेकिन वो माता जी अपना लिए कोई भी चीज़ खर्च नहीं करती, जैसे जैसे पुराना साड़ी भाड़ी पहन लेती थी वो सारे पैसा को जमा करके रखती थी। रमा कर महीना में एक बार वृंदावन में आएगी, सारे संतों को निमंत्रण देगी और उस सब कुछ सब लोग सब बना, वो माता जी कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है, वो अपना हाथ से वो कढ़ी बनाएगी और यमुना में जाएगी, 30 गोता 30 दिन का 30 गोता लगाएगी वृंदावन में, राधा दामोदर मंदिर वहाँ पर 30 परिक्रमा लगाएगी, रोज रोज 1 लाख हरिनाम करेंगी माता में, और वो हारमोनियम बजाने जानती थी, उनको इतने बड़े बड़े जुगल जोड़ी है, उनको सामने रख करके माता जी उनको बड़ी सुंदर उन्होंने भजन गाएगी। जितना बार आएगी वृंदावन में, वहाँ पर एक नंद किशोर एक बड़ी सुंदर जो ड्रेस बनाते हैं, जब जब आएगी ठाकुर जी के लिए बढ़िया से 2-3 सेट कपड़ा लेकर के जाएगी माता जी, 2 सेट, और इतनी उसकी अनुभूति, हम भी दंग रह जाते थे, बोले जब मैं ठाकुर को कपड़ा पहनाता हूँ ना, जो कपड़ा उसको पसंद नहीं होगा उसको पहना होगा अपने आप निकल जाएगा कपड़ा, वो समझ जाए कि ठाकुर आज ये कपड़ा पहनाना नहीं चाहते, जो कपड़ा उसको पसंद होगा ठाकुर का ना, वो बोलती थी देखना वो कपड़ा पहनना पर ठाकुर उसको अच्छे तरह से पहन लेते हैं, अगर कोई चीज़ अगर मैं नहीं खिलाऊँ तो ठाकुर जी से मुँह फुला कर बैठ जाते हैं, वो अनुभूति की बात करती थी, ठाकुर जी मुँह फुला कर बैठ जाते, बोले ये नहीं खाऊंगा मेरे को वो चीज़ दो, तो बीच बीच उसको स्वप्न देती थी ठाकुर जी, इतनी अच्छी भक्ति करती थी, 1-1 लाख नाम करती थी, इतने जानते हो कैसे उन्होंने शरीर छोड़े, जब जब रमेश नगर में आई उसने आकर के मेरे को सवेरे बोली, मेरे को बोले बाबा मैं कुछ पैसा भेज रहा हूँ संतों के लिए, प्रसाद की व्यवस्था कर देना, और उनके लिए 20-20 रुपया प्रणाम भेज रहा हूँ उनके लिए प्रसाद, मेरे को सवेरे उन्होंने फ़ोन किया, अच्छे तरह से फ़ोन किया, लेकिन वो लेट हुई थी प्रभु के भजन करके, सारे ठाकुर का सेवा पूजा करके लेट हुई थी, लेट हुई शरीर छोड़ गई और एकादशी का दिन गई, और कार्तिक के महीना सबसे जो पुण्य के महीना थी, एकादशी का दिन हरिनाम करते करते उसने अपना शरीर को छोड़ दिया, मेरे सवेरे बोली दोपहर में शरीर छूट गया तो फोन आया, फिर उन्होंने बोली मेरा अंतिम संस्कार हम चाहते हैं वृंदावन के रज में हो, ब्रज रज में हो, मेरे शरीर यमुना को स्पर्श कर ब्रज रज में हो, फिर उनको ला करके हम लोग खुद उनकी संस्कार किया है। अगर ठाकुर को सेवा करोगे ना, आप देख लेना जो जितने ठाकुर को बढ़िया से श्रृंगार करते हैं, ठाकुर को सेवा करोगे ना, ठाकुर जी अगर खुश रहोगे देखना तुम्हारे घर भी खुश रहेंगे, अगर तुम्हारी घर ठाकुर को अगर खुश नहीं रखोगे, अगर तुम भले ही घर में जितने करोड़ रुपया आ जाए देखना वो घर में शांति सुख कभी नहीं है, क्योंकि पैसा का लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की, ठाकुर की लक्ष्मी, अगर वो लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में नहीं लग रही ना, वो लक्ष्मी तुम्हारे घर में सुख भी नहीं देगी, क्यों, लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं, लक्ष्मी तो नारायण की है, जब वो केवल कृष्ण सेवा में लगेगी फिर वो लक्ष्मी घर में शांति सुख देगी, नहीं तो कभी भी वो लक्ष्मी घर में शांति सुख नहीं देगी, लड़ाई झगड़ा अशांति मामला बदगमाने सब पैसा बह जाएगी, रोग बीमारी घर में कभी शांति सुख नहीं आएगी। इसलिए एक उदाहरण देते हैं, देखना जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह सजा दो बढ़िया से, शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना जैसे शरीर को सजाओगे ना तुम्हारी परछाई वैसे सज जाएगी, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं होता है, शरीर को सजाए परछाई सज जाएगी, इसका शिक्षा देते हैं मूल कौन, बोले ठाकुर जी, ये ठाकुर को जितने अच्छे तुम सेवा करोगे भक्ति करोगे पूजा करोगे, ठाकुर अगर खुश रहोगे ना, ये शरीर तो मिट्टी की शरीर है, तुम अपने आप खुश रहोगे, अगर इनको खुश नहीं रखोगे बोले खुश हो जाओगा कभी हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाया खुद कहता है ये दूर का घर ही है,
हमने बनाया कृष्ण खुद के दुकान लगा, ये दुकान घर है, सुख कहाँ ढूंढ रहे हो? सुख तो उसकी चरण में है, उनको छोड़ कर भैया कहीं शांति सुख नहीं। इसलिए अगर शांति में रहना चाहे तो क्या करो, हरिनाम करो, भजन करो और खूब गोपाल जी को ठाकुर जी को सेवा पूजा करो, उनकी आशीर्वाद से ही सुख में रहोगे, नहीं तो कभी सुख रह नहीं सकते। ठीक है, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे
Thank you.
लेखा बड़ा सिकल मेरे को इसको पुस्तक में कर ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांधं शतादय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवगुरु भक्तवृंद बोल हरे कृष्णा 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 गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पाद स्तोत्र सदस्य भक्ति वेदांत सिद्ध गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग रूपानुभव गुरुपाद पद्म सोपार सदस्य परिवार गुरु नित्यानंद प्रभु उपस्थित श्रोता मंडली समस्त चरणों में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कृष्ण के लीला के बड़े सुंदर सुंदर अमृतमय कथा चल रहा है, उसी प्रसंग में अब ठाकुर जी वृंदावन के कौन है? ये वृंदावन के ब्रजेंद्र कुमार यानी ब्रज के जो राजकुमार है, ब्रज के जो हीरो हैं। अब हीरो को सबसे पहले क्या करना चाहिए? हीरो को ऐसे जैसे कोई नहीं मानेंगे, हीरो को कुछ ना कुछ बहादुरी दिखाना पड़ेगा कि नहीं? अब ठाकुर जी सोच रहे हैं ब्रजवासी को मैं कौन सा ऐसा एक बहादुरी दिखाऊँ जो ये मुझे मान ले। तो ठाकुर जी ने दो सुंदर लीला किया। एक तो ठाकुर जी ने सांप के ऊपर नृत्य किया, काले के ऊपर ठाकुर नाच कूद किए। देखो साधारण नहीं हूँ मैं, एक बहादुरी दिखाया। दूसरे बहादुरी दिखाए ठाकुर जी ने अपने अंगूठी पे पूरा इतने छोटे अवस्था में गिरिराज जी को धारण किया। और दोनों के दोनों लीला में बड़े एक आश्चर्य की घटना है। सांप के ऊपर कोई नाच सकता है? जगत में कई तरह का डांस है, रॉकिंग पॉपिंग पता नहीं क्या क्या डांस है, हाँ, फिर भी उसमें कोई सांप के ऊपर किसी को बोलो, सांप के बाद छोड़ दो, किसी को बोलो भाई किंग कोबरा को छूके दिखा, कर सकता है कोई? कोई नहीं सकता। किसी को बोलो थोड़ा सा एक पत्थर को एक अंगूठी में उठा के देखा, पहाड़ की बात छोड़ दो, लेकिन ठाकुर जी ने करके दिखाया। तो ठाकुर जी अभी मन ही मन सोच रहे हैं अभी मैं क्या करूँगा, ये काले के ऊपर नृत्य करूँगा, काले दलन करूँगा, लेकिन ये जो बड़े भाई दाऊ जी है ना, ये बड़े भाई मुझे करने नहीं देंगे, पानी में जाने ही नहीं देंगे, काली दाह में काली हृदय में जाने ही नहीं देंगे, तो इन बड़े भाई का कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने एक दिन मया को बोले, मया मया पता है क्या हुए है? तो मया बोले क्या हुए है? बोले थारे दाऊ ने गधा मार दिया। बोले गधा को मार दिया? सब हंसने लगे। तो ये सुनती मया बोले का रे बोलवा, तो ब्रज में के गधा मारते फिरन भय हो के, तो ब्रज में के गधा एक असुर आया था जिसको बलदेव प्रभु ने मार दिया था गधे के रूप में। तो बोल रहे हैं कि तुमने गधा मारते फिरे भय हो के, सब हंसने लगे। अब बड़े ठाकुर को तो आँख टेढ़ी हो गई, ऐसे करके बोल रहे हैं कि देख तुम्हारे साथ और गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। तो कृष्ण मन ही मन सोच रहे भाई मैं वही तो चाहता था कि आप मत आओ। तो ये रोहिणी माता और यशोमती मैया बोलते हैं देखो तुम दोनों भाई ना लड़ो मत, कल बलदेव प्रभु का ऐसे भी जन्म नक्षत्र है, देख बलुआ तुम्हें ना बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊंगा और अच्छा अच्छा खीर मालपुआ जलेबी खाऊंगा, ये कृष्ण को जाने दो वन में, वन में क्या है कुछ नहीं है, तुम घर में रुको।
अब बड़े भाई तो रुक गए, अब कृष्ण के इच्छा से कृष्ण गाए बांसुरी और जितने भी सारे सखाओं के साथ गया चराने के लिए भागते भागते कालीदाह पे पहुंच गए। और वहाँ पे पहुँचते ही बछड़े को छोड़ दिए, कुछ करेंगे बछड़े तभी जाके भगवान कुछ लीला करेंगे। तो उस काली हृदय का जो पानी है ना, इतना भयंकर जहरीला था, तो बोलते हैं कि उसके ऊपर सांप भी इतना भयंकर जहरीला था कि उसके चारों तरफ जितने भी वन था, जितने भी पेड़ था, सब सूख जाते थे, सबके सब सूख जाते थे। और वहाँ ऊपर में कोई पक्षी भी उड़ के चला जाए वो भी मर जाता था और पानी में गिर जाता था, इतना भयंकर जहर था। लेकिन एक पेड़ वहाँ पे जिंदा था, वो है कदम्ब वृक्ष। बहुत बड़ा प्रसंग है, वो कदम्ब वृक्ष को पहले गरुड़ जी जिस समय अमृत ला रहे थे ना, उसके ऊपर रख दिए थे थोड़े देर के लिए, इसीलिए वो अमृतमय हो गया था वो वृक्ष। वो वृक्ष को छोड़ के सारे जितने भी पेड़ लता पशु पक्षी, वहाँ गुजरने वाले पक्षी उड़ के जाते हैं, गिर के नीचे काली हृदय में चले आते हैं। इस प्रकार काली का जहर का प्रभाव था। अब ठाकुर जी ने देखा सारे गए और बछड़ों को छोड़ दिया। अब सारे गए जाके कालीधाम में पानी पीने लगे और पीते पीते ही मरणासन्न हो लगे। और ठाकुर जी को बड़ा कोपित हुआ और गुस्से से गए और अपने मंगलमय दृष्टि से सबको जीवित कर दिया। सारे गए और बछड़ी के ऊपर हाथ रख के ठाकुर जी ने सबको जगा दिया। और ठाकुर जी बड़े कोप में जाके कदम्ब के ऊपर चढ़ गए। अब जैसे ही कदम्ब ऊपर के चढ़ रहे हैं ठाकुर जी, ये सखा लोग बोलने, देख कन्हैया, अरे लाला गिर मत जाइयो, काली नाग दस देवे, गिरना नहीं। तो कृष्ण बोल रहे, अरे सखा तुम लोग क्या सोच रहे हो, मुझे देखो, काली वो क्या है, नाग क्या है, काली है, मैं भी क्या हूँ, काला हूँ, अब देखते हैं कौन किसको डसता है। ऐसे बोलते ही ठाकुर जी ने जोर करके छलांग लगा दिया और जैसे ही छलांग लगा दिया धड़म करके नीचे गिरे और जाके पूरा कालीदाह के अंदर पे जहाँ पे कालिया नाग था वो उसके द्वार पे जाके खड़े हो गए। और वहाँ पे कालिया का बड़े सुंदर पत्नी थे, जितने भी पत्नीगण वहाँ पे थे वो बोल रहे, अरे कृष्ण के स्वरूप को देख के मोहित हो रहे हैं, कृष्ण के रूप को देख के मोहित हो रहे हैं, बोल रहे, हे वत्स, अहो भाग्य, इस पानी को छूते ही कोई मर जाता है, लेकिन तुम्हारा इतना भाग्य, तुम अंदर आ गए, जल्दी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हमारे स्वामी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो कृष्ण ने पूछा, कहाँ है तुम्हारे स्वामी? तो नागपत ने बोलते हैं, सो रहे हैं। बोले, जगा दो, ताई को मिलने वाके आए हैं हम, उसको मिलने के लिए आया हूँ मैं। इतने सुनते ही काली नाग फुत्कार किया और फुत्कार करके दौड़ करके आई, दौड़ करके आके फिर ठाकुर जी के पूरा शरीर में लिपट गया। तो ठाकुर जी बोलने, देख कालिया, मैं तुम्हें पहले चांस देता हूँ। क्यों पहले चांस तुम्हें देता हूँ? अगर तुम अगर बोलोगे कि प्रभु मैं तो अब अकेला चुपचाप आराम से सो रहा था, भविष्य में तुम बोल दोगे कि मैं तो चुपचाप था, आप आए मुझे छेड़ दिए और मेरे ऊपर आप नृत्य करने लगे, मैं इसमें तो मेरा कोई गलती है नहीं, इसलिए तुमको मैं सबसे पहले चांस देता हूँ। तो कालिया ने सबसे पहले ही ठाकुर जी को दंशन करना शुरू किया। अब तो ठाकुर जी अपने शरीर को विराट करने लगे और एक छलांग पे कालिया के सर पे चढ़ गए। और जैसे ही कालिया के सर पे चढ़ जाते हैं ठाकुर, वहाँ पे कालिया दंशन करने लगता है, कालिया जहर उगालने लगता है, विष उगालने लगता है, गरल आग सदृश इतना ताप है कालिया का मुख से निकल रहा है। लेकिन ठाकुर जी सच्चिदानंद स्वरूप है, उनको क्या हो सकता है? तो ठाकुर जी को कुछ भी नहीं हुआ और ठाकुर जी इतने अपना भार को बढ़ा दिया कालिया के सर पे ऊपर के, बोलने, सतेक फणाह जस्या, 100 फन था उसका, 100 फन, हम एक फन वाला सांप को देख के डर जाते हैं, 100 फन था उस कालिया का। और 100 फन को लेके ठाकुर जी उसके ऊपर चढ़ गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं, मैं थोड़ा और एक कारनामा दिखा देता हूँ। अब ठाकुर जी नृत्य करने लगे, ताता थैया करके नृत्य करने लगे। तो स्वर्ग के जितने भी अप्सरागण थे, जितने भी देवतागण थे, वो लोग सोचने लगे, भाई ठाकुर जी नाच रहे हैं, बिना संगीत के नृत्य कहीं होता है? बिना डीजे के कहीं नाचते हो आप लोग? बिना ही अगर कीर्तन नहीं होता, ढोल की मृदंग मदिरा नहीं होता, तो नाचते कोई? बोले नहीं। तो स्वर्ग के जितने भी गंधर्व अप्सरा ये सब ढोल की मृदंग बजाते लगे और स्वर्ग के जितने भी गंधर्व वो गाने लगे। स्वयं शिवजी सोच रहे हैं, अरे मैं तो नटवर हूँ, अरे प्रभु रुक जाओ, मैं नटवर हूँ। शिवजी बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे नटेश्वर, मुझे नाचने वाले में सबसे बड़ा
नर्तकी माना जाता है, मैं तांडव नृत्य में पूरा मैं फेमस हूँ। लेकिन प्रभु एक बात यहाँ पे है, बोल रहे हैं हमें अगर नाचना है ना, हमारा जो स्टेज है कोई अगर नाचेगा तो उसका जो स्टेज होगा कैसे, पूरा प्लेन रहेगा, पूरा प्लेन रहेगा तभी जाके नाच पाएगा। अगर वो नाच रहा है, स्टेज कभी इधर स्टेज कभी उधर हो रहा है, हिल डुल रहा है, तो कैसे नाचेगा? कितने बड़े डांसर भी हो नाच पाएगा? बोले नहीं। तो शिव जी बोल रहे हैं प्रभु मैं तो सोच रहा था मैं सबसे बड़ा नृत्यकारी कला में निपुणता हूँ, और मैं कहाँ नाचता हूँ, कैलाश के ऊपर, और वहाँ पे पूरा मेरा जो स्टेज है ना वो पूरा समान है, लेकिन आपका जो स्टेज है वो क्या, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, सर्प के ऊपर नाच रहे हैं ठाकुर जी। तो बोले आप मुझसे भी श्रेष्ठ हो। शिव जी स्तुति करने लगे, ब्रह्मा स्तुति करने लगे, और हमारे सूरदास गोस्वामी एक कीर्तन को बोलते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 बम 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 बनति पंत, बम 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 बनति पंत, बिंग बिंग बिंगति करत नारव दुहारी, बम 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 कृष्ण का इतना शक्ति है उसको भार को सहन नहीं कर पा रहा है काल्य। तो काल्य सोचने लगा अहेकम शरणम प्रभु, प्रभु मैं आपके शरण में जाता हूँ, मुझे कृपा करो। तब ये सब देख के वहाँ पे नाग पत्नी आके कृष्ण को स्तुति करने लगते हैं। नाग पत्नी ये काल्य का पति है, और काल्य को देखा कि भगवान का भजन करने में ये लगे रहा है, और पहले तो असुर था, अब ये नाग पत्नी सोच रहे अरे अरे ये तो काल्य तो उल्टा ही हो गया, काल्य कृष्ण का भजन कर रहा है, कृष्ण के शरण में चला गया। अब ये नाग पत्नी आके बोल रहे प्रभु जय हो रुक जाओ, आपके भी जो क्रोध है ना, ये नाग पत्नी बोल रहे कृष्ण को आपके जो क्रोध है ना प्रभु वो भी बड़े कृपालु हो, आपका भी ये क्रोध ना बड़े दयापूर्वक आप क्रोध करते हो, और आपका भी ये क्रोध सबके ऊपर मेरे पति के ऊपर बड़े अनुरक्त कर रहे हो। तो कृष्ण बोले क्या तुम्हारे पति को मार मार के बेहाल कर दिया, तुम बोल रहे कृपा कर रहे हो, तुम बोल रहे मुझे करुणा कर रहे हो, ये कौन सी करुणा है? तो नाग पत्नी बोलते हैं प्रभु देखो शिव जी ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद भी आपके चरण को मिला नहीं, आपने अपना चरणामृत गंगा जी को दे दिया, शिव जी क्या किए आपके चरण को अपने सर पे रख नहीं पाए, आपके चरणामृत को सर पे रखे जटा के रूप में गंगा जी को धारण किए, और जो बलि वो दान देने के लिए थोड़ा बहुत दान तो दिया था, यदि आप सब कुछ तो आप ही का था, तो आपने क्या किया एक पैर उसके ऊपर रख दिए। अब देखो शिव जी ध्यान किए बलि दान किया, लेकिन मेरे पति को देखो ना ध्यान किया ना दान किया, और तो और एक चरण नहीं दो दो चरण आप उसके सर पे रख दिए, और भी जोर जबरदस्ती करके नृत्य दे रहे हो, जिसको देख करके लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी भी जिन चरण धूलि के लिए तड़प जाते हैं स्तुति करते हैं, और ब्रह्मा शिव जी मोहित हो जाते हैं उन चरण धूलि के लिए, प्रभु आपका तो ये अनुरक्त ही हुआ ना, आप तो कृपा ही किए ना। तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह मैं प्रसन्न हो गया हूँ, अब तो छोड़ दूंगा,
अब मैं इसको निश्चित रूप में छोड़ दूंगा। तो जैसे ही कृष्ण ऊपर उठते हैं और ये सब कुछ ये पूरा का पूरा दृश्य ब्रजवासी देखते हैं, और देखने के बाद फिर नंद बाबा यशोमती मैया वहाँ पे, यशोमती मैया तो मूर्छित हो गए, और कृष्ण जैसे ही काले को बोलते हैं रमणक द्वीप चले जाओ, रमणक द्वीप चले जाओ, तो काले बोलता है प्रभु रमणक द्वीप में गरुड़ जी है, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो बोलना गरुड़ जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं क्या, मेरे चरण चिन्ह देख के तुम्हें उल्टा प्रणाम करेगी गरुड़, तुम गरुड़ जी को मेरे चरण चिन्ह दिखा देना, गरुड़ अगर आए तो सर को नीचे कर देना। तो उसके पश्चात ठाकुर जी जैसे ही बाहर आते हैं ना, ये ब्रज गोपियाँ सोचने लगती है कि देखो ब्रज गोपी, कोई कोई बोलता है कि कृष्ण तो बड़े बहादुर मार के आ रहे, हीरो बनना था ना ठाकुर को, अब बाहर आए तो मैया को बोले मैया मैया सांप के ऊपर नाच गयो मैं, मैया कान के पकड़े अभी बताता हूँ तुम्हें, तुम्हें किसने बोला था छलांग लगाने के लिए, अभी देता हूँ चल घर चलो। तो कोई ब्रज गोपी बोलते हैं ओहो ये काल्य कितना दयालु है, पता नहीं सबको उसके जहर से क्या होता है, पूरा ब्रज में पूरा जहरीला हो चुका था, लेकिन देखो ये काल्य ने हमारे कृष्ण को कुछ नहीं किया, लगता है हमारे ऊपर ठाकुर जी का बड़ा कृपा है। कोई ब्रजगोपी बोल रहे हैं अरे कृपा नहीं है, हमारे कृष्ण ही कृपा मूर्तिमान है, कृष्ण ने जब गए होंगे ना वहाँ पे, कृष्ण जैसे ही नीचे गए ना, कोई एक ब्रजगोपी बोल रहे कृष्ण जैसे ही गए हैं इतने सुंदर ठाकुर को कोई मार सकता है कोई सांप, तो सोच रहे नहीं नहीं इसको तो नहीं मारूं। कृष्ण बोले अरे वो उसने मुझे, मैं उसके ऊपर दलन किया, उसके सर पे मैं नृत्य किया। तो एक ब्रजगोपी बोल रहा है तुम्हारा नृत्य वृत्य अभी छुड़ाता हूँ, बोले ये कोई नृत्य वृत्य नहीं किया, इसने तो काल्य ने सोचा होगा इतने सुंदर स्वरूप है इसको मैं थोड़ी ना मारूं, इसको तो सर पे रखूं, कंधे पे बिठा के थोड़ा घुमाऊं, तो ये तो काल्य का बड़प्पन है तुम्हें ऊपर उठा लिया। तो कृष्ण बोलने देखो तुम तो, तुमने तो सब लोग देखा कि मैं नाच रहा था, अरे तुमने कोई नाचना वाचना नहीं किया, वो तो काल्य का सहस्त्र फण है ना, वो एक फण से एक फण इधर उधर ऐसे किया, अपने फण को हिलाया डुलाया कि लगा कि जैसे तुम नाच रहे हो। तो इस प्रकार भगवान ने काल्य को उद्धार किया। बोलो काल्य दलन भगवान की जय। देखो यहाँ पे एक विशेष बात है कि ये जो गोपी, जितने भी गोपी सबके सब देख रहे हैं लेकिन ठाकुर को भगवान बोल के नहीं मान रहे, वहाँ पे नागपत्नियाँ पहले तो स्तुति नहीं किए, दूर रह के चुप रहे, क्यों, क्योंकि ये काल्य भजन नहीं करता, ये काल्य कभी भी भगवान के भजन नहीं करता, जैसे ही ये नागपत्नी देखे कि ये भजन करने लगेगा तब ये नागपत्नी भगवान का स्तुति करने लगे। तो देखो हमारे जीवन में ना भजन का बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों भजन करना चाहिए, गुरुपाद पद्म का आदेश हुआ है, हमें भजन करने के लिए तीन चीज़ का बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तीन चीज़ हमको ग्रहण करना पड़ेगा, एक तो तिलक, कंठी और जो जो अखाद्य खाते हैं प्याज लहसुन आदि, मछली और कोई कोई पता नहीं क्या क्या है नॉनवेज, वो सबको छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी गुरुदेव ने बोले कि ये सब के सब एक साइंटिस्ट रीजन है, एक साइंटिफिकली रीजन है, तो इसके द्वारा साइंटिस्ट लोग इसको प्रूव करते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा सा बोलने की प्रयास करता हूँ कि तिलक, सबसे पहले बात तो तिलक, कोई कोई बोलता है कि हम तिलक विलक नहीं करेंगे, तिलक करने से हमारे क्या फैशन शो पे आँच आ जाता है, और हम तो अभी स्कूल कॉलेज पे जा रहे हैं, हम तो अभी बड़े सुंदर सुंदर जीन्स पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, ये क्या तिलक, हम तिलक नहीं करेंगे। लेकिन देखो एक कोई कोई अगर समझ में आए तो जो जो को रिबर्थ पुनर्जन्म के ऊपर किस किस को विश्वास है, कौन कौन विश्वास करते हैं पुनर्जन्म के ऊपर, हाथ ऊपर करो तो, कौन कौन पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास करते हैं, करते हो, और बाकी कोई भी नहीं। देखो ये पुनर्जन्म होता है, इसी बात को अगर समझ जाओगे ना फिर ऑटोमेटिक गले में कंठी, मुंह में तिलक और हाथ में हरिनाम आ जाएगा। तो इसका साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ, यूएस में 1970 में एक डॉक्टर ने, शायद किसी किसी मैया को समझ में ना आया हो लेकिन ध्यान से सुनना, कि यूएस में 1970 में एक डॉक्टर ने क्या किया कि उसी समय $2000 दे के एक व्यक्ति है उसका नाम नेट पे इजीली सर्च हो जाएगा, इवन स्टीवेंसन, उसको बोला कि आप क्या करो ना, रिसर्च करो, कौन से चीज़ के ऊपर रिसर्च करो ना, ये रीबर्थ के ऊपर रिसर्च करो।
तो उन्होंने इंडिया आके पूरा वर्ल्ड में घूमे और वर्ल्ड में घूमने के बाद 2000 एवोक्स केसेस रिसर्च किया, 2000 से भी ज़्यादा केसेस रिसर्च किया जिसमें रिवर्थ होता है कि जिसमें पूरा उन्होंने पूरा लिखे हैं। एक वेबसाइट है www.rebirth.com, उसमें पूरा का पूरा 2000 से एवोक केसेस, अभी तक भी बहुत सारा ऐसा केसेस है, फॉरेन में है, इंडियन में है, बहुत सारा केसेस है जो रिवर्थ के ऊपर लिखा गया है। तो बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का न्यूरो, सब लोग नाम सुने होंगे, वो उसको इच्छा हुआ कि उसने उस समय पे इच्छा किया कि मैं थोड़ा क्या करूँ रिवर्थ के, मैं अपने पास्ट लाइफ को थोड़ा जानूँ कि मैंने क्या किया था मेरे पास्ट लाइफ में। तो उसको उसी टाइप में वांटेड ऑफ हिप्नोटाइज किया गया। तो जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना, तो हिप्नोटाइज करने के द्वारा जैसे उसको पूरा का पूरा एक जगह पे बिठा करके एक केंद्र पे उसको केंद्रित करके फिर उसको सेंटिलैंड फिल्म से वहाँ पे रख के पूरा जैसे ही वो अपने पास्ट प्रीवियस लाइफ में जैसे ही चला गया ना, तो प्रीवियस लाइफ उसको पूरा का पूरा एक रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में आता है, तो उसको देखना, वो पूरा न्यूरो अपने सारे बात को बोल रही है कि मैं पहले लाइफ है आई एम जस्ट इन पास्ट लाइफ वन टाइप ऑफ पीक, मैं पहले जन्म में सुअर था, सुअर बन के मैं पैदा हुआ था, और कैसे कैसे वो बोल रहे कैसे कीचड़ में खेलता था और फिर कैसे कैसे वो मर गई, पूरा का पूरा उसको दिखाई दिया, पूरा का पूरा दिखाई दिया। तो जैसे उसका होश खुला उठने के बाद, जैसे उसका तो कोई दिमाग में कुछ था ही नहीं, तो जैसे उसका होश उठा ना, खुला, जैसे आँख खुल गया, तो आँख खुलने के बाद वो क्या किया, देखते ही उसका रिकॉर्डिंग सुनाया उसके पास, तो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो सुनता है कि क्या मैं पहले जन्म में सुअर था, हाँ मुझे वही दिखाई दिया, इन पास्ट लाइफ प्रीवियस लाइफ आई एम इन ए हेवन इन ए पीक, मैं पास्ट लाइफ में एक पीक था, एक सुअर था। तो उसने सोचने लगा कि मैं क्या करूँ कि मैं नेक्स्ट लाइफ में मेरा क्या हो, मेरा नेक्स्ट लाइफ में क्या हो, मैं इंसान जन्म पाऊँ, मैं ह्यूमन बींग, मैं एक मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर लेना चाहता हूँ। तब उसी समय हमारे एक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी महाराज विदेश में प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते करते जैसे ही वहाँ पे गए तो वहाँ पे गीता दिए, श्रीमद् भगवतम गीता दिए, और वहाँ पे कृष्ण ने सारे के सारे बात बताया। ये जितने भी साइंटिस्ट गण है ना, ये साइंटिस्ट पहले से ही क्या किए, ये सारे बात को बाद में रिसर्च करके बताए, लेकिन उससे पहले कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सारे बात बताए, ऐसे रिवर्स होता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ एक एक अगर सुनोगे ना, एक एक अगर देखोगे, जो भी आजकल साइंटिस्ट लोग इम्प्रूव करवा रहे हैं, सब के सब हमारे स्क्रिप्चर में ऑलरेडी इस कैन बी डन इन, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को एक एक करके कि ये सब पहले से ही है। तो उसके पश्चात उसने जैसे ही देखा कि सारे के सारे गीता का पढ़ा, स्वामी महाराज जी से पढ़ा कि जम जम भाव स्मरे नित्यम त्यज तंते कलेवरम, तो जैसे जैसे मनुष्य अपने भाव को लेके अगर लास्ट टाइम में अगर मरेगा, लास्ट टाइम में उसी चीज़ को बोलते बोलते मरेगा, तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ में वही बन जाता है, नेक्स्ट लाइफ में वही बन जाता है। ये न्यूरो ने उसको पास्ट लाइफ में देखा कि एक सुअर था, तो सुअर को देखते देखते ये इंसान के पास रहा करता था, तो इंसान सोचते सोचते और नेक्स्ट लाइफ में इंसान बन गया। इट द फैक्ट, यहाँ पे भागवत जी में इसका पूरा का पूरा एक स्टोरी है, एक कथा आता है, भरत महाराज वो क्या किए, अंतिम समय में मृग को, एक हरिण को चिंता करते करते मर गए, और प्राण त्याग करने के पश्चात उनका नेक्स्ट लाइफ में उन्होंने फिर हरिण स्वरूप को धारण किया, मृग रूप धारण किया। तो ऐसा होता है। तो उसने बोला कि मैं क्या करूँ अभी, ना भगवान का नाम जप करूँ, मैं क्या करूँ भगवान का हर समय ये नाम को जप करूं, नाम को जप करते करने के बाद ही मेरा अंतिम समय में नाम आएगा। कोई कोई बोलते हैं हम मरने के समय नाम जप करेंगे, बताओ किसी के पास गारंटी कार्ड है किस समय मरोगे, कोई गारंटी कार्ड है क्या, किसी के पास गारंटी कार्ड है, कोई भी गारंटी कार्ड नहीं है। हमारा इस लाइफ में जितना हम जिस चीज़ से अटैच रहते हैं, लास्ट टाइम में वही चीज़ ही आता है। एक रियल फैक्ट है, मेरा एक छोटा भाई को कोरोना हो गया, और जैसे उसको आईसीयू में ले जाते हैं ना, तो वो सैंडविच वाला जो आइसक्रीम मिलता है वो ज़्यादा खाता था, तो जैसे ही उसको आईसीयू में ले गए लास्ट टाइम ने उसमें क्या बोला पता है, सैंडविच आइसक्रीम बोलते बोलते उन्हें डेथ हो गई, मेरा ही छोटा भाई सैंडविच आइसक्रीम बोलते बोलते डेथ हो गया उसका। तो लास्ट टाइम में हम जितने जिस चीज़ पर अटैचमेंट रहेंगे ना,
वो एंडिंग टाइम पे हमारा उसी ही चीज़ हमारे मेमोरी में, हमारे वन टाइप ऑफ साइको हमारे दिमाग में वो इतना मात्रा में घुस जाता है कि घुसने के बाद लास्ट टाइम में हम अगर उसको ही याद नहीं करके नहीं रह सकते, उसको ही याद करेंगे। तो बोल रहे हैं कि हम इसी समय पे अगर भगवान का जितना नाम लेंगे, जितना भी नाम लेंगे, तो अंतिम समय में हमारा क्या होगा, भगवान का नाम स्मरण आएगा। और भगवान का नाम स्मरण आएगा तो हम सीधा नित्य धाम जाएंगे और जन्म मृत्यु जरा व्याधि होना नहीं पड़ेगा और इस चक्र में भटकना नहीं पड़ेगा। किसको पता है किस समय मर जाओगे? 2020 में फेब्रुआरी के एंडिंग पे हमारे मुंबई में 6 बड़े बड़े बॉडी बिल्डर 28 साल तक उन्होंने जिमिंग किया। जिमिंग करने के बाद उनका इंटरव्यू था वहीं पर ही मुंबई का एक जगह पे, नहीं सॉरी पुणे के काटराज पे एक जगह, पुणे के काटराज बोल के एक जगह है, वहाँ पे ग्रेट काली, सब लोग जानते ही होंगे, ग्रेट काली के द्वारा एवरेस्ट होने जा रहे थे। तो इतने उनका पावर था, 6 बॉडी बिल्डर सब लोग जानते ही होंगे, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ है, सब न्यूज़ में आता ही है। तो 6 के 6 बॉडी बिल्डर वहाँ से मुंबई से पुणे जा रहे थे और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में 6 के 6 मर गए। अब बताओ वो 6 के 6 मरने के लिए 28 साल तक जिमिंग किया क्या, मरने के लिए जिमिंग किया था क्या? वो एवॉर्ड भी ले नहीं पाए। किसको पता नहीं है किसी समय भी डेथ हो सकता है, इसीलिए द प्रूफ रीबर्थ होता है। अब देखो हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी जगह पर भी जाते हैं, तो एक उद्देश्य होता है, हम पहले से प्रिपेरेशन करते हैं। मान लो यहाँ से हम अगर जाएंगे दिल्ली, दिल्ली के कोई भी जगह पे जाएंगे, दिल्ली छोड़ दो, हम यहाँ से आगरा जाएंगे, तो आगरा जाने से पहले ऐसे ही सर उठाए चले जाओगे क्या? टिकट करोगे, बैग लोगे, ब्रश पेस्ट रखोगे, कपड़े रखोगे, बैग पकड़ोगे, ओला उबर बुक करोगे, फिर उसमें बैठ के फिर जाओगे, ऐसे नहीं चले जाओगे? कुछ ना कुछ प्रिपेरेशन है कि नहीं? कौन कौन मानते हो है? कोई अगर किचन में आप लोग रसोई करने जाते हो, कुकिंग करने जाते हो, इन दैट टाइम कुकिंग करने से पहले आप ऐसे ही चले जाते हो क्या? कुकिंग में सारे के सारे चीज़ होना चाहिए, तो प्रिपेरेशन करते ही हो। कोई बोलेगा मैं आज छोला अच्छे तरीके से छोला भटोरे बनाऊंगा, किचन में चला गया और बनाना शुरू कर दिया, तो उससे पहले उसने छोला भिगोया था कि नहीं, प्रिपेरेशन किया था? तो बिना प्रिपेरेशन के कुछ भी चीज़, इवन हम ऑफिस भी जाते हैं, यानी ऑफिस भी जिस समय जाते हैं तब भी हमारा सारे के सारे प्रिपेरेशन रहता है कि व्हाट इज आई एम डूइंग इन दैट ऑफिस टाइम, लेकिन फुल्ली प्रिपेरेशन ऑन दैट टाइम कि हम क्या प्रिपेरेशन करके ऑफिस जाते हैं। और तो और छोड़ो बाथरूम भी जाते हैं, बिना ब्रश पेस्ट और गमछा निकल नहीं जा सकते, वहाँ पर भी प्रिपेरेशन है। तो बताओ इतने सुंदर शरीर है, इतने सुंदर शरीर मिला है भगवान ने दिया है, और इसके पश्चात हम यहाँ से मर जाएंगे। अब मरने के बाद एक डेड बॉडी लेट के रहता है, मर जाते हैं, तो उसमें क्या बोला जाता है, ये अमुक व्यक्ति चला गया या ये अमुक व्यक्ति चली गई। अब बताओ डेड बॉडी तो है, गया क्या? आत्मा निकल गई। आत्मा के ऊपर किसको किसको बिलीव नहीं है, हाथ उठाओ। तो सबको बिलीव है, सबको विश्वास है, बोले गया क्या? डेड बॉडी तो है सामने, गया किस चीज़? तो बोले हम इसके पश्चात, हम इस शरीर के पश्चात हमारा जिस समय हमारा डेथ होगा, डेथ तो निश्चित ही होगा, बताओ किसका डेथ नहीं होगा भाई, हाथ उठाओ किसका डेथ नहीं होगा, कौन नहीं मरेगा? हाँ, आप नहीं मरोगे? सबके सब एक ना एक दिन सबको मरना ही पड़ेगा, यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हो, सबके सब मरोगे। तो देखो सबके सब मरोगे तो मरने के बाद फिर जाओगे कहाँ जाओगे? व्हाट इज आवर प्रिपरेशन आफ्टर डेथ, हम मरने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? क्या प्रिपरेशन किया है हमने, कौन सा प्रिपरेशन किया है अभी तक? तो बोले हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। देखो अगर भगवान के नाम अगर सामने होगा ना, भगवान के नाम अगर जितने मात्रा में हम जप करेंगे ना, उतने मात्रा में हम भगवत धाम जा पाएंगे। जिस प्रकार जो जितने मात्रा में जाप करेगा उसको उतने मात्रा से ही क्या होगा, वहाँ से फ्लाइट आएगा, विमान आएगा, टिकट पहले खरीद लेना चाहिए। तो बोलते हैं देखो ये नाम में इतना शक्ति है, अभी गुरुदेव बोल रहे थे ना, पावर ऑफ साउंड ऑफ वाइब्रेशन, ये हरे कृष्णा पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन,
इस साउंड का एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। इसको ऑस्ट्रेलिया में एक पीवन सेन एक डॉक्टर था, तो उसको क्या किया उसने एक साइंटिफिक बहुत बड़ा साइंटिफिक आप इजीली नेट में उनका वेबसाइट है देख सकते हो, जहाँ पे साउंड का जो साउंड में जो रे होता है जो मॉलिक्यूल और साउंड का जो पॉजिटिव सेंस थिंग्स होता है उसको चेक किया जाता है। तो सारे के सारे साउंड को डाला गया और एक तरफ हरे कृष्णा महामंत्र को डाला गया, तो अंतिम में एक कंक्लूजन आया कि ये जो महामंत्र है ना इसमें किसी प्रकार का भी डिफेक्ट नहीं होता, इसमें किसी प्रकार का भी डिफेक्ट नहीं होता। इंडियन में 95% जो डिप्रेशन स्टेज में जाते हैं पता है क्यों, जो मैक्सिमम डिप्रेशन स्टेज में जाते हैं, अभी अभी कलकत्ता में एक ने डिप्रेशन होके उसने सुसाइड कर दिया, पता है क्यों, उसको बाद में जब रिसर्च किया गया ना वो एक दिन में 24 घंटा से 23 आवर्स कान पे डीजे सुनता था, इधर उधर का उल्टा पुल्टा चीज सुनता था, इसीलिए वो नेगेटिव थिंग से उसका सर में इसी प्रकार का एक साइको हो गया कि उसको डिप्रेशन हो गया। और पता है किस किस तरह का गाना तो आप सब जानते ही हो और सुन के वो जोश में अपना होशिक होके सुसाइड कर दिया। तो जो डिप्रेशन का जो मेन जो कॉजेस है उसका जो मेन कॉजेस क्या है ना वो है ये साउंड, तो पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो उसको जैसे ही सब साइंटिस्ट ने इस साउंड को लेके देखा कि जैसे ही महामंत्र को डाला और अलग अलग जो जो सॉन्ग को डाला अलग अलग जितने भी गाना है सबको डालने के बाद सबको देखने के बाद जो भगवान के नाम है ना उसमें एक ऊर्जा आता है एक पॉजिटिव थिंग्स आता है, इसको इन्होंने प्रूव करके दिखाया। अब बोलते हैं कंठी के बारे में। कंठी देखो तुलसी जी पूरा का पूरा तो सब लोग जानते ही हैं लेकिन सब अनजान हैं, सब जानते हैं लेकिन कोई करता ही नहीं मानते ही नहीं, सब जानते हैं सब देखते हैं, आजकल यूट्यूब फेसबुक नहीं देख के कोई रह नहीं सकता, चाहे बिना खाए पिए रह सकता है, बताओ कौन ऐसा है यूट्यूब नहीं चलाता हाथ उठाओ, हो ही नहीं सकता। कौन ऐसा है फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलाते, कौन ऐसा है किसके पास स्मार्टफोन नहीं है, सबके पास है, तो लेकिन सब उल्टा पुल्टा देखते हैं, सब के सब इधर उधर की चीज़ देखते हैं लेकिन जो चीज़ सीखने वाला चीज़ ना वो कोई नहीं देखता। तो बोलते हैं जो कंठी है ना ये कंठी का बड़ा महिमा है, ये कंठी का बड़ा महिमा। हमारे एक प्रभु जी को पूरा शरीर में चिकन पॉक्स हो गया था, चिकन पॉक्स समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, माता आ जाते हैं जो भी हो, तो पूरा शरीर में चिकन पॉक्स हो गया था। डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि ये और पूरा पता नहीं पूरा इतने मेडिसिन लिए ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने देखा एक जगह को छोड़ के पूरा शरीर में हुआ है, कहाँ पे बोले गले में, इस जहाँ पे जितने मात्रा में तुलसी पहने हैं ना फिर तुलसी जिस जगह पे पहने हैं वहाँ पे चिकन पॉक्स नहीं हुआ है। फिर बाद में उन्होंने तुलसी को पूरा जितने भी प्रसादी तुलसी को शरीर में जैसे ही लगाना शुरू किया एक महीने के अंदर पूरा चिकन पॉक्स गायब। ये रामदेव बाबा ने जब से पहले जो कोरोना का मेडिसिन आया ना सबसे पहले जो कोरोना का मेडिसिन आया तो उसका जो जो मेडिसिन में जो थीमेंस रहता है उसका कौन सा पार्ट कितना मात्रा में रहता है उसको मैं एक बार देख रहा था, उसमें जो तुलसी का मात्रा है ना वो 90% है, बाकी अलग अलग चीज़। तो जो बोलते हैं मतलब तुलसी जी में इतना पावर है तुलसी जी का आप सोच नहीं सकते हो, इसीलिए तुलसी पहनना ज़रूरी है। और जिस समय हम देखो तुलसी पहनोगे तो क्या होगा कि हम कॉलेज में जाने स्कूल में पढ़ते हैं और कोई कोई माताजी लोग घर में रहते हैं तो क्या होता है ना हम तुलसी पहनने हमारे मन कभी भटकने नहीं देगा, गले में तुलसी है ना कोई बुरा चीज़ करने जाओगे देखोगे तो बाहर से ही पहले से ही ये पॉजिटिव थिंग्स इसको क्या करेगा रोक देगा कि हमको इस चीज़ नहीं करना है। मेरे एक दोस्त IIT में था सुनील बोल के, तो उसने जैसे तैसे करके तुलसी पहन तो लिया, पहन लेने के बाद उस जैसे ही शराब की दुकान में जाता है ना जानते हो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बिना पिए नहीं रह सकते, जैसे ही शराब की दुकान पर जाता है तो शराब की दुकान से जाने से पहले वो एक स्टेप पीछे आ जाता है। वो एक दिन मुझे बोला पता नहीं जब से ये कंठी पिया हूँ ना कंठी धारण किया है ना गले में तब से पता नहीं मैं उल्टा पुल्टा खाना मैं भूल गया, ये रोक देता है मुझे। तो ये वास्तव में होता है, ये तो फेक थिंग्स, ये पूरा हमारे जीवन में ऐसा होता है कि तुलसी पहनने के द्वारा हमारे ऊपर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन एक पॉजिटिव थिंग्स हमारे हृदय में आता है, हमारे हार्ट को क्या करता है वो आनंद प्रदान करते हैं। और एक है ना हमको माथे में तिलक करना आवश्यक है। देखो हमारे सेल के शरीर में जितने भी सारे वेंस हैं और उसी वेंस के एक क्यूलस अगर ख़राब हो जाए तो पैरालिसिस हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं ना पैरालिसिस हो गया मतलब इस हाथ अगर उठ नहीं रहा है तो क्या होगा
उसी जगह का जो उस बहन का कोई जो ब्लड सर्कुलेशन या वेवलेस उसमें डिप्रेशन से हो गया है। तो जैसे ही पता चलेगा कि उसमें धीरे धीरे हम उसको कि पूरा का पूरा जितने भी बहन है वो कहाँ पे ब्रेनिंग करता है, किस जगह पे उसका जो किस जगह पे उसका जो हेड है, मतलब किस जगह पे वो काम करता है, बोल रहे हैं ब्रेन के इस बीच में। दीदी बैठी है डॉक्टर को बोल रहे हैं हाँ, तो बोल रहे हैं ब्रेन के इस जगह पे उसको क्या करते हैं, पूरा का सारे के सारे ब्रेन यहाँ से नियंत्रण, यहाँ से कंट्रोलर, तो यहाँ से कंट्रोल होकर पूरा बॉडी में जाता है। तो इस पूरा बॉडी में जाने के समय देखो ना, एक जगह पे एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा एक यूट्यूब पे एक वीडियो आता है, उसमें बोल रहे हैं कि किसी का अगर पैरालिसिस हो और पैरालिसिस हुआ था आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते करते उसके पूरा एक हाथ उठ नहीं रहा था, तो उसको पूरा हाथ में तिलक लगाया गया, और जैसे ही तिलक लगाया गया पूरा हाथ में तिलक से उसको पूरा तिलक से उसको जैसे ही लगाया गया तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे एक महीने में उसका धीरे धीरे हाथ फंक्शन करना शुरू किया। तो हमारे जो यहाँ पे हम तिलक लगाते हैं ना, इट द मोस्ट थिंग्स ऑफ साइंटिफिक कॉजेस कि यहाँ पे क्या है ना, हमारा जितने भी बहन का जो कंट्रोलर है वो क्या करते हैं, सही सही रूप से कंट्रोल करता है, ठीक ठीक रूप से यहाँ पे कंट्रोल करता है। इसलिए तिलक लगाना अति आवश्यक है। और भगवान के नाम, अभी बोला भगवान के नाम में इतना शक्ति है, इतना पावरफुल है कि नाम से और कोई भी चीज़ को हो ही नहीं सकता, नाम के अलावा और कोई भी चीज़ को हो ही नहीं सकता। कोई बोलेगा कि भाई हमें हृष्ट पृष्ट रहना है, हम नॉनवेज खाएंगे, हम इधर उधर की चीज़ खाएंगे, यहाँ तक कि ओनियन गार्लिक को भी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। ये जितने भी कोरोना के टाइम पे जो लोग मुर्गा खाते थे, जो लोग बकरी आदि सब खाते थे, देखना चाइना में सबसे पहले कोरोना वायरस फैला कैसे, उसका रिसर्च करने से बाद पता चला कि वहाँ पे क्या करते थे, सुअर, कुत्ते, मछली, पता नहीं कितने कितने एनिमल्स को ऐसे ही जिंदा खा जाते थे। खाते कि नहीं, देखे हो कि नहीं, चाइनीज़ में ऐसे ही करते थे। और इसीलिए वहाँ पे ये एक दिन से नहीं निकला, कितने हज़ार सालों से वो खाते आ रहे हैं, इसलिए वहाँ से वायरस निकलते निकलते अभी एक दिन क्या हुआ, पूरा का पूरा वर्ल्ड में वो फैल गया। बाद में अमेरिका का स्टीवन म्यूर्स एक डॉक्टर से, एक साइंटिफिक डॉक्टर से उसने रिसर्च किया कि कोरोना का मूल जड़ कहाँ है, बाद में पता चला कि नॉनवेज खाने से ही हो रहा है, उल्टा पुल्टा चीज़ खाने से ही हो रहा है। और तो और कि जो ओनियन और गार्लिक है उसमें भी साइंटिफिकली रीजन में साइंटिफिकली उसका एक रीजन है, उसको भी नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उसको तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, लीवर प्रॉब्लम, इतना सारा उसमें प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि डॉक्टर बोलता है ना उबाल के खाओ, उबाल के खाओ, यानी उसमें देखो डॉक्टर सीधा सीधा बात को एक्चुअली हमारे डॉक्टर लोग भी सीधा सीधा बात नहीं बोलते, उबाल के खाओ मतलब तेल मसले मत खाओ, और मसले में प्याज रहता है, तो प्याज को अगर छोड़ दोगे, अगर ऐसे ही खाओगे ना कभी भी अस्वस्थ नहीं होगे, शरीर कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस प्रकार का कोई अगर बोलेगा कि मैं बड़े स्ट्रांग हूँ, अभी ओलंपिक में एक हमारे इंडियन ही, क्या उसका नाम, नीरज चोपड़ा, सब लोग जानते ही हैं, उसने भाला फेंकने में गोल्ड मेडल जीता था। तो नीरज चोपड़ा का जो लोग इंटरव्यू देखोगे उसमें वो बोल रहा है, मैं अपने जीवन में कभी भी ओनियन गार्लिक और नॉनवेज नहीं खाया, इसलिए मैं इतना तेज दौड़ सकता हूँ, इसलिए मैं इतना पावरफुल हूँ। और मैं जब जिस समय मैं वहाँ पे ओलंपिक खेलने के लिए गया, तो वहाँ पे इंटरव्यू में सब लोग मुझे पूछते हैं, ये नीरज चोपड़ा खुद बोल रहे हैं कि वहाँ पे मुझे इंटरव्यू में पूछते हैं कि तुमने बहुत ऐसा प्रोटीन चीज खाया होगा, ये खाया होगा, वो खाया होगा, एक लिए होगे तुमने बहुत सारे क्या जितने भी नॉनवेज वो खाया होगा, तो बोले नहीं मैं नॉनवेज कभी भी नहीं खाया अपने जीवन में। वहाँ पे सब हैरान हो गए। एक राजेश शुक्ला बोल के, एक शर्मा बोल के एक छोटा बच्चा था, अभी दो तीन महीने ओलंपिक से पहले, उसने हमारे इंडियन ही है, 12 साल का एक लड़का, गले में कंठी धारण किया था, सब लोग जानते ही होंगे इस बात को भी, न्यूज में पूरा फैलता ही है सारे न्यूजेस जो जो लोग देखते हैं। तो 12 साल का एक छोटा बच्चा गले में कंठी धारण किया था राजेश शर्मा बोल के, उसने पूरा इंडिया के ऑल लेवल में उसने फुटबॉल में फर्स्ट लेवल हुआ, फर्स्ट रैंक में आया, और उसके बाद उसने फिर गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से सिलेक्ट होकर यूएस गया। तो जैसे यूएस में एक बार अगर सिलेक्ट हो जाता ना ओलंपिक में उसको खेलने के लिए चांसेस मिलता, लेकिन जैसे यूएस गया तो यूएस में उसको बोले गया कि देखो तुम्हारे ये जो शरीर में ना
कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा मतलब तुम जो वॉचेस पहनते हो, तुम जो कंठी पहनते हो उसको निकालना पड़ेगा। उसने बोला मैं वॉचेस निकाल सकता हूँ, कंठी नहीं निकालूंगा, चाहे मैं खेल के छोड़ के भाग सकता हूँ लेकिन मैं कंठी नहीं निकालूंगा। और सचमुच ऐसे ही किया, कंठी नहीं निकाला और यूएस से रिटर्न आ गया। स्पोर्ट्स में जो जो लोग हैं उनको पता है, जो जो लोग स्पोर्ट्स में खेलते हैं उनको पता है कैसे कैसे अपने लेवल पे, फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल इंटरनेशनल, कितना मुश्किल होता है वहाँ तक पहुँचना, साधारण बात नहीं है। फिर वहाँ तक पहुँचने के बाद भी 12 साल का एक छोटा बच्चा ने उसने क्या बोला, मैं अपने धर्म के जो निशानी है कंठी उसको नहीं उतारूँगा, उसको मैं नहीं उतारूँगा चाहे मुझे खेलना नहीं पड़े, और रिटर्न आ गया इंडिया में। तो ये हमारा गर्व है, हम कंठी और तिलक धारण करते हैं ये हमारा गर्व है। उसको पूरा अवॉर्डित किया गया, उसको अयोध्या के ट्रस्ट से एक अवार्ड भी दिया गया कि इसने हमारा धर्म को पूरा रक्षा किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं मैं अभी तो फैशन डिजाइनर बनूंगा, मैं कंठी नहीं पहन सकता, मैं तिलक धारण करूंगा तो मुझे स्कूल कॉलेज में सब चिढ़ाने लगेंगे, माताजी लोग अगर कंठी धारण करेंगे तो अड़ोस पड़ोस बोलने लगेंगे, अरे कौन सा पाप कर लिया जो कंठी धारण कर रखे हो, इधर उधर की बात बोलेंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे वैदिक सनातनी धर्म है, इसको धारण करने से ही वास्तविक शांति मिलेगा, इसको धारण करने से ही जितने भी डिप्रेशन से, जितने भी हमारे आउट थिंकिंग से और सबको सब दूर होके अच्छे चिंता अच्छे चेतना हृदय में आएगा। ये सब वाणी के साथ कैसे कहोगे आप, आपसे जो सीखा सब पढ़ना देंगे। हरे कृष्णा, आप लोग थोड़ी देर आगे जाएंगे, जो पीछे आएंगे माइक का है इस तरफ में ज्यादा जगह, आप लोग थोड़े सटक कर देंगे, थोड़ी देर आगे आ गया जा, थोड़ी देर आगे आ जाए, थोड़ी आगे आगे आ जाए, इधर सटक कर देंगे। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, एक बार सारे अपने हाथ ऊपर करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मेरे को नहीं जानता, जो लोग जानते हैं उनको तो पता है कि मैं अपने जीवन में कितना परिवर्तन जो है, कितना परिवर्तन आया है मेरे जीवन में महाराज जी के पास आने से, कथा सुनने से, भगवान का नाम लेने से। तो कल हमने देखा राज राजेश्वरी वृष भानु दुलारी राधिका रानी जी का जन्म उत्सव हमने मनाया। महाराज जी ने हमें बताया था कि राधिका रानी जो है वो प्रेम की प्रतीक है। हम भगवान के, भगवान को हम सब मानते हैं, आप सभी लोग मानते हो ना भगवान को, कोई भगवान से कोई रिश्ता रखता है, कोई भगवान से कोई रिश्ता रखता है। लेकिन जब कभी भी महाराज जी ने ये भी बताया हमारा जन्मदिन आएगा कपड़े लेंगे, हमारा न्यू ईयर आएगा अपने लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जब भगवान जी की बारी आएगी तो वहाँ पर हम बस वहाँ सारा जितना हमारा प्रेम है सारा नज़र आ जाता है कि हम भगवान से कितनी भक्ति करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा इधर हो जाइए, ये भी एक सेवा है जो आप अंदर आने की किसी को जगह देंगे, कोई भक्ति लेगा यहाँ से, कोई शिक्षा लेके जाएगा, ये भी एक सेवा है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, अगर उससे कुछ शिक्षा ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझूंगा कि मैंने जो भी सीखा वो सफल हुआ। एक बरसाने में सेठ रहता था, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन बड़ा दुखी था, फिर भी सब कुछ होने के बाद भी दुखी। आप सब लोगों में से सब खुश हो, सब खुश हो, सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बरसाने का सेठ सब कुछ होने के बाद भी बहुत दुखी था,
तो एक महाराज जी आए, उन्होंने पूछा कि सेठ तुम्हारे पास सब कुछ है, तीन बहू बेटी सब कुछ है, फिर क्यों दुखी हो, क्या हो गया ऐसा जो दुखी हो। बोला कि तीन बहुएं हैं, तीन बेटे हैं, लेकिन दुखी इस बात का हूं कि मेरे पास बेटी नहीं है। देखो आज वर्तमान समय देखो, विडंबना देखो ये है कि लोग बेटी होने पे दुखी होते हैं, और सेठ इस बात से दुखी है कि बेटी नहीं है उसके पास। तो महाराज जी ने बोला, हे सेठ तुमको मिलो है बरसाने को वास, यही नाते राधा सुधा काहे रहत उदास। कि बरसाने में तुम रहते हो, ब्रजमंडल में तुम रहते हो, श्री राधिका रानी को अपनी बेटी बना लो। देखिए एक चीज सीखने को क्या मिली इसमें, जीवन में जिस चीज का अभाव हो वहां पे भगवान को स्थापित कर दो, अभाव रहेगा ही नहीं। जिसके जीवन में भाव नहीं उसी के जीवन में अभाव है, भाव माने इमोशंस। तो अगर आपके जीवन में भाव नहीं है तो अभाव ही अभाव है। तो महाराज जी ने कृपा करी, सेठ ने राधिका रानी जी का चित्र मंगवाया, पूजा करी और राधिका रानी जी को अपनी बेटी माना। अब रोज सुबह बड़ा ही खुश, कहीं पे भी जाए जो हो बड़ा खुश आनंदमय जीवन उसका बीत रहा था। जाता घर से तो दुकान पे जाता राधे राधे श्री राधे राधे, आता तो भोग लगा के राधे राधे, सोता तो भगवान राधिका जी का नाम लेके बड़ा खुश। कोई मिले तो बिल्कुल छाती छोड़ी करके अपना परिचय देता था। तीन बहू बेटी है घर में, तीन बहू बेटे है घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी है भवन से, रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन भर में रहती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ा खुश हुआ, बड़ा ही खुश हुआ कि आहा मजा आ गया। अब किसी दिन, एक दिन क्या हुआ, दुकान पे था तो मनिहारिन चूड़ी जो चूड़ी पहनाती है वो घर पे आई। अब श्री राधिका जी को लगा कि आज मेरे पिता के घर पे मनिहारिन चूड़ी पहनाने आई है, तो मैं भी क्यों ना पहनूं, मेरे पिताजी का घर है। तो देखिए आप जैसा भगवान के साथ जिस भाव से उनको मानेंगे, भगवान उसी भाव से आपके साथ लीला करेंगे, कमी आप में नहीं रहनी चाहिए। तो जैसी मनिहारिन ने उसकी तीन बहुओं को चूड़ी पहनाई तो राज राजेश्वरी श्री राधिका रानी जी प्रकट होगी। अब जैसी मनिहारी ने, अब पुराने जमाने में क्या होता है घूंघट आगे होता है, मनिहारी ने हाथ देखा इतना कोमल, तो मनिहारी बड़ी खुश हुई कि अभी तक तो तीन को ही चूड़ी पहनाती थी, आज चार कैसे हो गए। लेकिन मनिहारी ने सोचा घर पे कोई आया होगा, तो मनिहारी ने चूड़ी पहना दी। उस समय पे पैसा मिलता था दुकान से, तो वो दुकान पे गई, सेठ जी को बोली चूड़ी बनाए, हाँ मैं चूड़ी बनाए, तो ये लो अपना मोल। अब जब उसको मोल दिया तो वो बोली कि नहीं मेरे को ज़्यादा चाहिए। तो उन्होंने बोला ज़्यादा क्यों चाहिए, दाम बढ़ा दिया क्या। बोली नहीं मैंने चूड़ी तीन को नहीं, मैंने चूड़ी चार को पहनाई। अभी सुनिएगा देखिएगा सीखने वाली बात क्या है। तो सेठ बोला कि नहीं घर पर तो तीन ही लोग हैं, चार को चूड़ी कैसे बना दी। देखो मन में शंका आ गई, तीन कहाँ से, हमने तो बेटी माना था ना तो चार हुए ना, लेकिन यहाँ पे हम भूल गए तीन है। उसने सेठ ने बोला कि घर पे तो तीन बहुएं हैं, चार को चूड़ी कहाँ से पहनाई। तो बोली नहीं हमें तो चार को चूड़ी पहनाई है, आपने दाम देना है दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। बोला मैं घर से पहले पूछूंगा उसके बाद दाम दूंगा। तो घर गया, बोला मनिहारी आई थी, हाँ आई थी, चूड़ी पहनाई, हाँ पहनाई, कितनों को पहनाई, हम तीन नहीं तो पहनी, वही तो मैं बोलूं वो झूठ बोल रही है, चार को नहीं बनाई तीन को ही बनाई है। तो सेठ ने भोग लगाया, राधे 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 करता हुआ भोग लगा के अपना विश्राम किया। अब स्वप्न में श्री राधिका रानी जी प्रकट हो गई बड़ी उदास। तो सेठ ने बोला बेटी क्या हुआ, क्यों उदास हो। बोले मत कहो मुझे बेटी, तीन बहू बेटी याद है, मैं नहीं याद, मत कहो मुझे बेटी। बोला बेटी हमसे भूल क्या हुई बताओ तो। तो बोली तनिया बनाए नात पर नात ना निभाए हो, मुझे बेटी तो बना लिया नाता नहीं निभाया, लेकिन चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितु घे काले, तुम मनिहारिन को मोल ना चुकाए हो कि मैंने अपने पिता का घर समझ के चूड़ी पहन ली,
तुमने मनिहारिन को मोल नहीं छुपाया। सेठ की तो उसी टाइम आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरे से क्या हो गया, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बोली तीन बहुएं तो तुम्हें याद हैं, मैं नहीं याद हूं। तो सेठ बड़ा दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ सेठ उस टाइम। उसने फटाफट उठा, मनिहारिन के पास गया, मनिहारिन का गेट बजाया और गेट बजाते ही क्या बोला, धन धन भागते रो मनिहारिन, धन धन भागते रो मनिहारिन, तेरे से बड़ भागी नहीं कोई, तेरे से बड़ भागी नहीं कोई, भागते रो मनिहारिन। तो वो बोली कि हुआ क्या? बोला मैंने मानी सुता निज नैनन नाहे निहारी, मैंने अपनी बेटी माना लेकिन इन आंखों से देख नहीं पाया, तुमसे चूरी पहन गई, मैंने तुम्हें मोल नहीं दिया, मुझे क्षमा कर दो, ले लो मेरे से जितना धन लेना है, जो लेना है ले लो। तो मनिहारिन बोली हे सेठ तुमको मिलो अमोल धन, अब क्या मांगत मोल, हे मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। तो मनिहारिन क्या बोलती है, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, 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 हमारो धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे 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 राधे, कुछ सिखाया, मैंने भी इतना कुछ सीखा, लेकिन शिक्षा क्या मिली? भगवान को यदि आप अपना मानते हो तो सबसे आगे रह के काम करिए, सबसे आगे उनको रखिए, जिस भाव से आप मानेंगे उसी भाव से लीला होगी। और विश्वास मानिए, हमारे विश्वास में कमी आ सकती है, हमारा ही विश्वास कम हो सकता है, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। आपने सुना होगा आप एक कदम तो बढ़ाइए, वहाँ से कदम बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, भागे चले आएंगे, लेकिन एक कदम बढ़ाने की तो हिम्मत कीजिए। जीवन में इतना सुख इतना आनंद पाएंगे जितना आपने कभी महसूस भी नहीं किया होगा। इस संसार में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जितना मर्जी अच्छा कर लीजिए किसी के लिए, आपको उसके बाद बताइए बुराई के अलावा कुछ मिलता हो तो, हर कोई यही कहता है। सही बात। लेकिन भगवान का नाम लीजिए, आप एक बार लेंगे तो पता नहीं कितने गुना सुख पाएंगे। तो यही मेरी आपसे विनती है, भगवान का नाम लीजिए, जितना हो सके हरि नाम कीजिए, कथा सुनिए, आज एक आया है कल दो को और लेके आइए, आपका भी उद्धार होगा उसका भी उद्धार होगा। महाराज जी ने आपको बताया था, सिखाने वाले का पहले होगा, आप आगे तो बढ़िए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक एक कथा और सुनाता हूँ मैंने, ये भी महाराज जी के ही मुखारविंद से सुनी थी। देखिए अभी कोई बोले मुझे भगवान का नाम लेने से क्या मिलेगा, अरे मैं बताता हूँ क्या मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि उसके बाद वो देखो धन तुम खर्च कर दोगे तो खत्म हो जाएगा, इसको खर्च करो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। है कोई ऐसी चीज़ बता दो कि खर्च करने पर बढ़ती हो? ये बढ़ती है। एक राजा की चार बीवियां थी, एक राजा की चार बीवियां थी। अब जो चार बीवियां हैं ये व्यक्ति के आप समझ लीजिए चार गुण हैं जो हम सब व्यक्ति में हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इनसे छुपा हो।
अब पहली बीवी जो थी उसकी, वो जब भी आए, मुझे ये चाहिए, हाँ ले लो, मुझे ये चाहिए, हाँ ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब कर दो, जो उसे चाहिए सब पूरा कर दो, उसकी सारी ख्वाहिशें जो जितनी चाहिए सब उसको करके दो। तो बड़ी बीवी खुश, हाँ राजा तो मेरा ही है, चारों में से मेरा है, मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करता है। तो बड़ा समय देता था राजा, उसे बड़ा प्रेम करता था। दूसरी बीवी आए, दूसरी बीवी जो थी वो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, जहाँ जाए, अब देखो जहाँ हम जाते हैं सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं ना, लोग हमें देखें, तो जहाँ राजा जाए साथ उसे लेके चले, भाई लोग इसको देखेंगे, मेरे को देखेंगे कि राजा के पास कितनी बीवी है, जलेंगे, द्वेष भाव आएगा, कितने पाप के जो है वो हम अपना बीज बो रहे हैं यहीं से। तो उसे साथ लेके जाता था, हाँ मेरी बीवी कितनी सुंदर है, हाँ। तो जो भी देखता था उसने, वाह क्या राजा की बीवी, वो भी बीवी बड़ी खुश, मेरे से कितना प्रेम करता है, जहाँ जाता है मेरे को लेके जाता है। अब तीसरी बीवी जो थी वो बोलने वाली, बड़ा मीठा मीठा, हाँ जी हाँ बोलिए, बड़ा मीठा बोलती थी, किसी को भी कुछ भी मीठा, इतना मीठा बोले अपनी बातों में ही ले ले। तो राजा कहीं भी जहाँ बात फंसे, बोलते ना जहाँ बात फंसे वहाँ उसको बुलाओ, सारा गुस्सा ठंडा, इतने प्रेम से बात करो सारा गुस्सा ठंडा। वो बड़ा मीठा मीठा बोलती थी राजा, हर जगह उसे जहाँ जाता था, अपनी कोई मीटिंग हो कुछ वहाँ बिठाता था, तो सब कहे कितना अच्छा बोलती है ये तो। अब चौथी बीवी राजा की, उसे तो राजा देखता भी नहीं था, बोला ये कौन है, उसे कभी जीवन में समय नहीं दिया, दिन में 5 मिनट दे दे तो बहुत बड़ी बात, कभी जीवन में उसने अपने उस बीवी को समय नहीं दिया। अब राजा का सारा हिसाब किताब का वक्त आया, मुक्ति का वक्त आया, बोला मैंने अपनी 3 बीवियों से बहुत प्रेम किया है, ये मेरे से बिना कैसे रह सकती हैं। तो पहली बीवी को बुलाया, जिसके लिए सब कुछ खरीद के देता था, बोला मेरी मृत्यु का वक्त आया है, मुक्ति का वक्त आया है, तुम मेरे बिना कैसे रहोगी, चलो मेरे साथ चलो। बोली जाना है तुम्हें जाओ, मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ, बुलावा तुम्हारा आया मेरा थोड़ी आया, मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ भाई जल्दी करो, देर हो रही होगी, जाओ। तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा मन दुखा उसका कि मैंने अपने जीवन में इसकी सारी ख्वाहिशें सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन आज जब मेरी मुक्ति का वक्त आया तो ये मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है, बड़ा दुख हुआ। दूसरी बीवी बड़ी सुंदर, उसे बुलाया, बोला तुम तो मेरे साथ चलो। बोली तुम जाओगे तभी तो दूसरा आएगा, मैं तो सुंदर हूँ, तुम चले जाओगे तो कोई और मिल जाएगा, तुम जाओ तो, मैं क्यों जाऊं। तो बड़ा दुखी हुआ, मन दुखेगा नहीं दुखेगा, जिसके लिए इतना कुछ करो फिर भी ना मिले कुछ, आप सब भी किसी के लिए कुछ करो कुछ ना मिले, पहली बात तो करने से पहले हम मिलने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए दुख होता है, तो दुख होगा ना। तीसरी बीवी आई, वो बोली कि एक काम कर सकती हूँ, मैं मुक्ति द्वार तक छोड़ाऊंगी, साथ नहीं जाऊंगी, बस गेट से छोड़ के वापस बाय बाय टाटा, लेकिन साथ नहीं जाऊंगी। तो बड़ा दुखी हुआ, बोला आज तक जिसको पूछा नहीं चौथी बीवी को, आज उसी का टेस्ट ले लें। तो उसने उसको बुलाया, बोला मेरी मुक्ति का वक्त आया है, तुम मेरे साथ चलोगी, और देखो कितनी खुशी की बात, वो बोली हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसको अपने जीवन में उसने बिल्कुल किनारे कर दिया, पूछा तक नहीं, अब वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। अब बताओ राजा की आंखों से आंसू आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे ना। दुखी कितना वो हैरान हो गया कि मैंने आज तक अपने जीवन में इसको पूछा नहीं और ये मेरे साथ चलने को तैयार है। सीखने वाली बात अब आएगी, ये 4 बीवियां व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन के 4 रंग हैं, 4 व्यवहार हैं। पहली बीवी कौन, पहली बीवी मैं, पहली बीवी कौन, पहली बीवी मैं मतलब संस्कृत में मैं क्या होता है, अहम, और हिंदी में अहम का मतलब क्या होता है किसी को पता है, अहंकार, मैं ही अहंकार है, मैं मेरा मेरा है, ऐसे कैसे ले जाओगे। तो उसने सब कुछ, हम सब अपने जीवन में अपने शरीर के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, मेरा है, मैं ये लूंगा मैं वो लूंगा, आया तुम्हारी मुक्ति के साथ, तुम्हारे साथ आया, किसी के साथ कुछ गया बता दो, गया तो। दूसरी बीवी मनुष्य का धन, जिसको वो हर जगह दिखाता है, किसी की शोक यात्रा में भी जाएगा ना तो भी गाड़ी चाहिए, पता लगे कि हम आए हैं, पैसा है हमारे पास बहुत, तो चला गया साथ,
अंबानी इंडिया का सबसे बड़ा आदमी है, वो लेके जाएगा? बता दो आप, नहीं लेके जाएगा ना, कोई नहीं लेके जाएगा, वो भी नहीं आपके साथ गया। तीसरा आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, तीसरी बीवी कहाँ तक, उसने क्या कहा था, मैं दरवाजे तक छोड़ दूंगी। तो हम सब लोग दरवाजे तक छोड़ के आते, लेकिन साथ जाता है कोई? मीठी मीठी बातें हम सब करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं। आप सब तो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो इस चीज़ में, जितनी माताएं बैठी हैं उनको तो उनसे ज़्यादा अनुभव इसको किसी का नहीं हो सकता, ठीक है? तो सब मीठी मीठी बातें करेंगे, साथ कोई नहीं जाएगा। चौथी बीबी जिसको आपने बिल्कुल साइड रखा, आपने कहा अरे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड रखा, हरी नाम दिन में कितने वक्त लेते हो, 5 मिनट 10 मिनट, पूरे जीवन में कितना पूछते हैं हम भगवान को, और वही हमारे साथ जाएगा। बोलो राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो बोलते है। बच्चा अगर आपके पास आके, कोई माता के पास आके छोटा बच्चा बोले मम्मी मम्मी आज सर ने सिखाया है राम नाम, हे क्या बात कर रहा है, हमें लगता है गलत है। गलत क्या है, राम नाम सत्य है, उसने गलत क्या बोला ये बताओ, तो डांटना क्यों? जब वो मुक्ति का वक्त आ गया तब उसे सिखा रहे हो राम नाम सत्य है, अभी क्यों नहीं सिखा रहे, अभी डांट रहे हो? उस टाइम समय सिखा के क्या फायदा, अभी सिखाओ। आपको बहुत मतलब, एक बात बताओ, फूल लेने जाओगे फ्रेश फूल लोगे या मुरझाए हुए? फ्रेश। और यहाँ अगर भक्ति यंग बच्चा करे तो बोल देते हैं कि क्या कहते हैं, अभी उम्र है तुम्हारी, क्यों भगवान को क्या फ्रेश फूल पसंद नहीं हो सकते, बताइए। तो आप अभी से जो सिखाएंगे वो बचपन तक, मरने तक, मृत्यु तक उसके साथ जाएगा, भगवान का नाम साथ जाएगा, हरि नाम साथ जाएगा, और कुछ भी किसी के साथ नहीं जाने वाला। इस बात को ध्यान से बांध लीजिए अपने साथ। आज घर जाएंगे बच्चों को यही सिखाइए, कल लेके आइए यहाँ पे, अरे नहीं उसका ये काम है उसका, फिर आ गई वही बात, आप तीसरी चौथी पहली दूसरी तीसरी बीवी को समय दो, तीसरी को मत दो, लेकिन साथ वही जाएगी। तो शिक्षा लेने वाली बात यही है कि हरि नाम करो, भगवान का नाम लो, वही आपके साथ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या करते हो, क्या काम? मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की हुई है, पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहा हूं और बच्चों को पढ़ाता हूं। अभी महाराज जी की कृपा से मैंने अपने जीवन में इतना अनुभव किया है, मेरी उम्र अभी 30 साल की है, लेकिन विश्वास मानोगे, ठाकुर जी पे विश्वास करने से मैंने इतना अनुभव किया और इतना विश्वास हो गया है, बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया है कि कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ ठाकुर जी काम आएंगे। उनको सर पे रख के काम करो, सारी बाधाएँ दूर हो जाएंगी। धन्यवाद। इसलिए हमें बताओ, चार रानियों में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करनी चाहिए? भक्ति, भक्ति मतलब भगवान का नाम है। जैसे उसने शरीर को भी प्यार दिया, लेकिन शरीर में कहाँ कर दिया, जहाँ पे कहाँ रह गया, पैसा को भी कमाया, पैसा को भी दिखाया, भैया पैसा दे तो मैं दूसरे से शादी करूँगी, दूसरे से शादी करूँगी मतलब क्या, ये शरीर छोड़ते ही ये झट ये पैसा दूसरे का नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, वो भी दूसरे से शादी कर दी। तो तीसरी रानी थी ये परिवार स्त्री, स्त्री को पूछा कहाँ तक चलूंगी, बोले दरवाजा तक चलूंगी, बोले आगे नहीं चल सकती। परिवार वालों को पूछे कहाँ तक जाओगे, बोले शमशान तक जाएंगे, बोले सिर्फ उससे आगे, बोले उसका आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो चौथी रानी को, ध्यान देकर सुना, चौथी रानी को उसने सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा, इसे बेकार किसी काम भी नहीं, क्या तो क्या है, बोले भगवान की भक्ति और भगवान का नाम। आप किसी व्यक्ति को बोले थोड़ा हरि का नाम लो, बोले सब बेकार काम है, जिसको पास में कोई काम धाम नहीं ना, कोई सब माला लेकर के बैठ करके हरे कृष्ण करते हैं, भैया हमारे बहुत सारे काम हैं, हमारे पास में कोई हरि नाम के लिए कोई समय नहीं। लेकिन जब अंतिम समय आता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, वो किसको सुनाते हैं, जो ऊपर लेटा हुआ होता है ना उसको ही सुनाते हैं, बोले बेटा जीवन में तुमने जितने राम और जितने कृष्ण का नाम लिया है, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, कहते सब कोई बात झूठा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किए हो तुमने झूठे में बिताए, यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही,
इसलिए अंतिम समय पर हमारी केवल ठाकुर का नाम ही काम में आएगा और काम में कोई हमारे आने वाले नहीं। समझ गए ये बात भी नहीं? कौन कौन समझ गए हाथ उठा, मैं तो देखना चाहता हूँ। लगता है सब समझ गए। देखो एक चीज अच्छे तरह समझो, बढ़िया से समझो। जैसे आपका कोई बीमारी है, आपने कोई अच्छे डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने पेपर में लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, देखो ये दवा लेनी चाहिए, पेपर में आपको लिख करके दवा दे दिया। लेकिन आप दवा तो लिख करके ले आए, डॉक्टर को फीस भी दे दिया, लेकिन कागज में तो लिख करके ले आए। लेकिन अगर आप दुकान से जा करके दवा नहीं लोगे, बताओ बीमारी सही होगा कि नहीं? बोलो, सही नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर कौन? शास्त्र, साधु संत हैं। हम इनको पास में आए, उन्होंने बीमारी देखा। बीमारी संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई ननद सास, सब दुखी दुखी संसार में, ये बीमारी हमारी। लेकिन डॉक्टर कौन? साधु संत और शास्त्र, ये हमारी डॉक्टर। इन्होंने लिख दिया, देखो अगर ये दुख से तुम निकलना चाहते हो, केवल ठाकुर का नाम यही तुमको समस्त दुख से, ये नाम तुमको दूर कर देगा। लेकिन तुमने जान लिया, लेकिन तुमने नाम नहीं लिया, बताओ फल मिलेगा कि नहीं? तुम्हारी बीमारी सही होगी कि नहीं? सही होगी? नहीं सही होगी। इसलिए क्या करनी चाहिए? हरी नाम लेना चाहिए, हरी नाम को ग्रहण करनी चाहिए, हरी नाम को लेनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए कुछ लोग आज आए थे, हम लोग ये इनके जेपी प्रभु का भैया के घर में हम रहते हैं, नंबर गली नंबर 5, नंबर 469 इनके मकान का नंबर है। जिनको इच्छा होगी भैया हम भी हरि का नाम लेना चाहते हैं, भगवान की भजन करना चाहते हैं, कल अगर सवेरे 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक 9:30 बजे तक आओगे तो माला ले आना, ठीक है? खुद भी माला लो और एक काम करो, बच्चों को भी हरिनाम में लगाओ, बच्चों को भी हरिनाम करने में बच्चों को लगाओ, जिनकी पढ़ाई नहीं होता है देख लेना उसका पढ़ाई। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जिसको पढ़ाई अच्छी नहीं होता है, जो बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, कोई दुख कष्ट आप स्वयं देख लेना, जब वो बच्चा हरिनाम लेना शुरू कर देगा ना, उसको पढ़ाई में इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, खुद देख लेना। जो बच्चा बात नहीं सुनती है, सुनता है, उसको बोला हरि नाम करना, देखना उसका मन अपने आप भजन में लग गया, तो अपने आप हमारी बात सुनना शुरू कर देगा, अपने आप शुरू कर देगा, हैं? इसलिए जब भगवान की भक्ति करोगे, भजन करोगे ना, तुम देखना अपने आप तुम्हारे अंदर में परिवर्तन आना अपने आप हो जाएगा। इसलिए क्या करो, खुद भी हरि नाम करो और बच्चों को भी हरि नाम में बच्चों को लगाओ। इसलिए भगवान नरसिंह देव कहते हैं, वंश में एक बेटा अगर प्रभु का भजन में लग जाए ना, कल उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाएगी, 21 पीढ़ी उधार हो जाएगी उनको। पूर्वज लोग नाच उठते हैं, हमारे कितने भाग्य, वंश में भक्ति करने वाले बच्चा जन्म हुआ, जिस पृथ्वी को ऊपर बच्चा जन्म लेता है वो बच्चे का पृथ्वी धन्य हो जाती है, इतने महिमा वंश में एक बेटा अगर प्रभु की भजन करे तो। आप देखना हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, हमारे बड़े गुरु जी को पास में किसी ने आए, बोले गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता है, देखना घर घर यही बात है, बेटा बात नहीं सुनता है। तो गुरु जी ने कहा बेटा तू रामायण कभी पढ़े? बोले नहीं। बोले बच्चों को बोले कभी रामायण पढ़ाएगा? बोले नहीं। तो गुरु जी ने कहा जो रामायण पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा उसको यही दुर्गति, क्योंकि कहाँ पर बताया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, कहाँ पर लिखा हुआ है? बोलो कहाँ पर लिखा हुआ? ये रामायण में लिखा हुआ है। ठाकुर जी सवेरे उठ करके कहते प्रात उठई रघुनाथा और माँ तो पीत गुरु नमः माता। ठाकुर जी सबसे पहले उठ करके अपना माँ पिता की चरण छूते थे। कौन कौन रामायण देखे टीवी में, हाथ उठाओ तुम, सब लोग देखे। देखना जब भगवान जिस समय दशरथ महाराज सही ने किए हुए देखे होंगे, भगवान राम स्वयं पिताजी की चरण की सेवा करते थे, करते थे कि देखा कि नहीं, पिताजी की चरण दबाया करते थे ठाकुर जी। कहाँ पर बताया पिताजी के आदेश पालन करनी चाहिए? बोलो रामायण। ठाकुर स्वयं कितनी साल के लिए पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए वनवास गए, बताओ तो कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। अब अपना बेटे को बोलो
14 दिन के लिए पिता माता की सेवा के लिए कहीं आधे से पावना के लिए जाओ, जाएगा तुम्हारी बेटा? वो हनीमून मनाने के लिए अपना बीवी को साथ में 14 दिन जा सकता है, लेकिन पिताजी के आदेश पालन करने के लिए एक दिन भी नहीं जाएगा। देखो हमारे गुरु जी कहते थे बात, बोले कारण ही स्वयं रामायण पढ़े नहीं, स्वयं भजन करे नहीं, और बच्चे को हमने कोई संस्कार नहीं दिया, लेकिन किया दिया जानते हो, स्मार्टफोन ले बेटा, 10-20-50 हजार का स्मार्टफोन दे। मैं जयपुर में कथा करने गया था, जब आ रहा था देखा कि छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, मैंने इससे पूछा बेटा तेरा नाम क्या, तो उसने जब नाम बताया देखा ये मुसलमान बच्चा है। मैंने उससे पूछा बेटा तो कुरान तेरे को आता है, वो छाती फुला बोला मेरे को कुरान आती है। मैंने कहा सुनाओ, वो बच्चा झटाझट कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र से ये कुरान पढ़ना शुरू होता है? देखो बच्चा क्या कहता है, बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी 2 साल जब बच्चे का होगा उसको कंपलसरी कुरान पढ़ना पड़ेगा। हमारी हिंदुओं में ऐसे कौन व्यक्ति है अपना बेटे को बोल तो गीता पढ़ रामायण कोई है? बताओ एक व्यक्ति मेरे दिखाओ जो अपना बच्चे को कहते हो रामायण पढ़, गीता पढ़, भागवत पढ़, कौन कहता है? कोई नहीं कहते। आप लोग दिल्ली में रहते हैं ना, देखना जब शुक्रवार आता है ना क्या होता है, हमारे मुसलमान भाई लोग शुक्रवार के दिन बच्चे को टोपी पहना कर ले जाते हैं, देखना रोड बंद करते, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, इसलिए उनको धर्म का प्रति इतने विश्वास उनकी उनको धर्म का प्रति इसलिए इतना विश्वास है धर्म का प्रति। कोई भी एक मुसलमान को नहीं देखोगे कभी अपना धर्म का खिलाफ बोल सकते हैं, अगर कोई बोला है नाला ये हिंदू भी अपना धर्म का खिलाफ बोल सकता है। इसलिए इसमें दोष किसका है? पिता माता की, पहला दोष पिता माता की, क्योंकि बच्चे का संस्कार कहाँ से बढ़ेगा? पहले माँ से। कहाँ से बढ़ेगा? अगर मैया दिन भर टीवी खोलकर बैठी हुई, दिन भर स्मार्टफोन लेकर पड़ी हुई, बच्चे को बोलेगी तू स्मार्टफोन मत देखा कर, बच्चा सुनेगा? अगर माँ अगर भजन करती है, माला करती है, रामायण पढ़ती है, जो बच्चे को बोलेगा ना बच्चे तभी तो करेगा ना, बच्चा तो तभी करेगा, नहीं तो करेगा नहीं कभी। देखो ये छोटी बच्ची है खड़े हो जाओ, तुम्हारी माला कहाँ है? माला लेकर खड़ी हुई, तुम्हारी जप माला कहाँ है? माला कहाँ है? देखो यहाँ पर देखो ये छोटी बच्ची है, लेकिन देखो इसकी माँ भक्ति करती है, खड़े हो जाओ। देखो यहाँ पर भी वो माला लेकर गया, इसके तरफ दिखाओ तुम्हारी माला, देखो ये छोटे बच्चे देखो क्यों क्यों माला करती जानते हो? उसको माँ वहाँ पर बैठी हुई, कहाँ बैठी हुई? तुम्हारी मैया कहाँ? उसको मैया वहाँ पर बैठी हुई, उनको और भी बेटियाँ बैठी, चूंकि उसकी माँ करती हैं इसलिए वो बच्चा भी माँ से देख सीखकर तो करेगा ना। अब देखो माला लेकर बैठे ना छोटा बच्चा, देखना इस बैठ जाएगा, क्यों? माँ आगे बदकर भजन करती है। इसलिए भैया पहला संस्कार माँ से पढ़ती है, उसको बाद में फिर पिता से पढ़ते हैं। देखो घर में नियम बनाओ, क्या नियम बनाओ? जब तक तुम्हारी बच्चा एक माला नहीं करेगा खाना नहीं देना। क्या नियम बनाओ बोलो? जब तक एक माला नहीं करेगा खाना नहीं देंगे। आप बोलो बच्चा बात नहीं सुनता है, ध्यान देकर सुनो। जैसे बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना है, आप क्या करते हो? कितना बजे बच्चे को उठाते हो? 5 बजे 6 बजे उठाते हो, स्नान कराते हो, कपड़ा पहना करके रेडी, सब ब्याग बिस्तरा दे करके उसको 1 घंटा पहले उसको प्रिपेयर करते कि नहीं करते कि नहीं? देखना वही बच्चा जब ज़्यादा लिख पड़ जाए ना पिता माता को गाली बकता है, ए तू गवारा, तू गवारी, तू क्या जानता हो, हमने PhD इंजीनियरिंग किया, तू क्या जानते हो? पिता माता को गाली निकालते हैं वो बच्चे। आप बच्चा बताओ बच्चे कहाँ बिगड़ते हैं? घर में बिगड़ते ना, स्कूल कॉलेज में बिगड़ते हैं, बोलो कहाँ पर बिगड़ते? स्कूल कॉलेज में बिगड़ते, घर में नहीं बिगड़ते। अगर तो उसको बिगाड़ने के लिए तुम तैयारी कर सकते हो, क्या बनाने के लिए तैयारी नहीं कर सकते हो? 10 मिनट बच्चे को नहीं, 10 मिनट नहीं बोल सकते हरिनाम करो, कर सकते कि नहीं? कौन करेगा? हाथ उठा, पहले तुम खुद करो। क्या करो? पहले खुद करो। देखो आप एक चीज देख लेना, अच्छे तरह से देख लेना, जिस बच्चा भजन करेगा ना, जिस बच्चा भक्ति करेगा, देखना वो इतने अच्छे संस्कार बनेगा, इतने अच्छी संस्कार बनेगा, पिता माता की 100% सेवा करेगा, कभी पिता को त्याग नहीं दे सकता है। जितने विपत्ति आए तो कभी बच्चा त्याग नहीं दे सकता, भले ही खुद नहीं खाएगा तो पिता माता को खिलाएगा, क्यों? उसको संस्कार पड़ा है, पिता माता हमें जन्म दिया है, पहले हमें पिता माता की सेवा करनी चाहिए।
इसके लिए हम नहीं कर सकते, जो बच्चे हमारी सेवा करें, ठीक है ना। क्या करना, सबसे पहले खुद हरिनाम करो। हरिनाम करोगे तब बच्चे को बोलोगे बेटा हरिनाम करो, खुद नहीं करोगे तो बच्चे को कभी बोल ही नहीं सकते हो। कम से कम भागवत से यही चीज लेकर के जाना, ठीक है ना। इसलिए हम एक माला जप करेंगे, उसको बाद में फिर हम कोशिश करेंगे फिर गिरिराज के अन्न को कहे। आज क्या क्या प्रसाद होना है, छोले, हाँ अब ये पनीर छोला बना है और चावल भी है और क्या बनाया, हलवा बनाया। सब कुछ प्रसाद लेकर के जाना और 5-7 मिनट दे दो, ठीक है। एक माला जप करेंगे, माला जप करके फिर गिरिराज जी कथा सुन के प्रसाद लेकर जाना। देखो कल है कथा की विश्राम है, कथा कभी समाप्त नहीं होता है, कल कथा की विश्राम होगा, कल समाप्ति का दिन विश्राम कर देंगे। कल भगवान कृष्ण की शादी होगी, कृष्ण रुक्मिणी की कल शादी होगा, इसलिए कल आप लोग जैसे शादी में सज धज करके जाते हैं ना, कल सही से बढ़िया से, क्योंकि साधारण शादी में कितने सज धज करके जाते हो हैं, लेकिन कल तक ठाकुर को शादी हो गया, इसलिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आना जैसे शादी में जाते हो। कौन सा रंग के कपड़ा लग गया पहनोगे, कल लाल रंग के कपड़ा पहनना, ठीक है। पहन करके अच्छे तरह सज धज करके आना, पर ठाकुर की शादी होगी कल। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले नंद के लाला की। माला है ना, कहाँ है माला, सब दे दो, जितना होता उतना दे दो, जिनको पास में नहीं है वो लोग मेरे साथ साथ में कर दें, जिनको पास में नहीं उनको ही दो, हाँ वापस दे देना। कल अगर किसकी इच्छा होगी कल आपको माला दे देंगे हरिनाम करने के लिए, ठीक है। जिनको पास में नहीं पहुंचता है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेरे साथ में करने से आपको फल मिलेगा, कोई चिंता मत करो, आप लोग मेरे साथ में कर लेना। हाँ हरे हरे कृष्ण। मेरे तरफ में देखो, मैंने कल बताया था जब चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने बोले आज हमारे घर में आपका प्रसाद है, लेकिन महाप्रभु क्या बोले, मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करते हो, बोले जो लखपति बनेगा। बोले आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो, 5.5 साल पहले सब 1-1 रुपया सोने की मोहर होता था, भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो कहाँ लाख की बात करते हो, क्या हमारे घर में भोजन नहीं करोगे। देखो ठाकुर जी क्या बोले, बोले असली लखपति कौन है, बोले रोज आना जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं वो असली लखपति है, हैं। और एक बार देख लो लखपति कैसे बनोगे। कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो ना, टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन यहाँ ठाकुर जी कहते कौन बनेगा लखपति। देखो लखपति कैसे बनोगे, जैसे माला है, हैं? माला में जैसे हरे कृष्णा, आप सब मेरे साथ में बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसमें एक मोती सरकता है। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसमें 2 मोती फिर 3 मोती करते करते जब यहाँ खत्म हो जाता है 100, हम पार नहीं करते हैं उसको, हम घुमा देते हैं फिर दूसरे तरफ से करते हैं। 1 लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया। इसमें 108 मोती हैं, अगर इसको 16 राउंड कर लिया तो हिसाब से 25,000 हो गया, अगर हमने 64 माला कर लिया ना उसमें 1 लाख हो गया। भगवान कहते हैं तुमने 1 लाख नाम नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगा तुमको, बोले दीन बढ़त सवाय पायो जी मैंने राम रतन, आज अगर 1 लाख किया मेरा कैसी है कल तुमको 1.25 लाख मिलेगी, और 4 दिन में ना 2 लाख, 4 दिन में 2 लाख हो जाएगा। इसलिए अरे यही धन ही, अरे बताना जो चौथी रानी यही रानी है जिसको हम सबसे निगलेट करके रखे, ये सब बेकार काम है जिसका कोई काम धाम नहीं करते हैं, लेकिन अंतिम समय में यही हमारी काम है
यही आएगा। ठीक है, आंख बंद कर दो, समझो हम अभी वृंदावन में श्री बांके बिहार जी के चरण में हम बैठे हैं। मन मन में भगवान की मेरे साथ साथ में करो, जिनको पास में माला हो तो अच्छी बात, जिनको पास में नहीं मेरे साथ में करो, आपको फल मिलेगा। देखो माला तो आप एक करोगे कितने फल मिलेगा, यहाँ कितने भक्त बैठे हैं, कम से कम 250 से बैठे हैं। मानो अगर एक माला करोगे ना, आपको 250 माला करने का फल मिलेगा। मतलब है छात्री के समझो, आपको 2-4 लाख रुपया आज आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट होने वाले हैं, क्योंकि प्रभु का नाम करोगे ना, जितने करोगे यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए, सबका आवाज आपकी कान में जाएगा, सबकी। मतलब माला तो एक करोगे लेकिन 250 माला करने का फल मिलेगा, इतने महत्व हरिनाम, इसलिए सबके सब करना, क्योंकि जो माला हरिनाम करेगा उसको पाप तो उड़ जाएगी लेकिन ये बैठेगा कहाँ पर, जो करेगा नहीं उसका सर पर बैठ जाएगा। इसलिए ये मत समझो माला नहीं इसलिए चुपचाप बोलते हैं, नहीं, सबके सब मेरे साथ में जाओ। ठीक है, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माला पूरी हो गई नहीं माला पूरी हो गई हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हो गया माला पूरी हो गई हरे कृष्ण। देखो एक अनाउंसमेंट है, जैसे अभी कार्तिक महीना आता है उसमें हमारी मंदिर में ब्रज मंडल 84 क्रोश की परिक्रमा लगती है, करीब करीब एक महीना लगता है वो परिक्रमा करने के लिए। जो भगवान कृष्ण जितने कथा सुने, कृष्ण कहाँ रास रचाए, कहाँ बंसरी बजाए, कहाँ गैया चराए, एक महीना करके लगती है। लेकिन किस किस को पास में एक महीना नहीं होता है, कार्तिक महीना बाद में कितना तक कार्तिक कितना तारीख में खत्म होता है, 20 कितने नवंबर 20 को ये खत्म होगी, लेकिन फिर उसको बाद में और एक परिक्रमा शुरू होगी, केवल 8 दिन का है ये। 8 दिन में संपूर्ण एक महीना जो परिक्रमा में लगता है उसको 8 दिन में ये पूरी होगी। उसको 8 दिन तक गाड़ी में ही करना पड़ता है तभी 8 दिन में पूरी होता है। कभी ये 84 जो ब्रजमंडल इसको परिक्रमा करने से जीव को 84 लक्ष ज्वनि जो भ्रमण करता है वो चिरकाल के लिए खत्म हो जाती है। अगर किसकी इच्छा होगी हम 8 दिन में ये 84 ब्रजमंडल परिक्रमा करने की, अगर किसका इच्छा होगी ना, आप लोग हम लोग को साथ में एक हमारी बाबा करते हैं उसमें मैं भी जाऊंगा, अगर जिसकी इच्छा होगी अगर आप नाम दोगे फिर वहाँ भी व्यवस्था हो सकती है आपको पूरा 84 ब्रजमंडल को 8 दिन में पूरी करने के लिए। ठीक है, जिसकी इच्छा होगी कल अगर आप लोग नाम दे दोगे आपका नाम को हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बोले श्री गिरिराज महाराज की। कल भगवान कृष्ण की शादी होगी भगवान की, कल सुदामा चरित्र है, इसलिए सुदामा चरित्र में जैसे सुदामा जी भगवान के लिए चिड़वा लेकर 2 मुट्ठी गई, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसलिए कल अब लोग कोशिश करना अपना घर से थोड़ी थोड़ी चावल लाने के लिए। ठीक है, और जब कथा विश्राम हो जाएगी थोड़ी थोड़ी चावल यहाँ से दूंगा, ये चावल आपने ले जाना घर में किसी लाल में तो पीले कपड़े में, इसमें 1 रुपया डाल करके कहते मंदिर भी रखने पर कहते घर में लक्ष्मी कभी अभाव नहीं होती, घर में माँ लक्ष्मी जैसे सुदामा को उन्होंने त्रिभुवन का राज्य दिया उसी तरह इसको द्वारा लक्ष्मी घर में टिकी रहती है, फिर घर में लक्ष्मी जाती नहीं, इसलिए कल थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के अपना घर में आना। ठीक है, और जैसे कल भगवान की शादी होगी, जैसे भगवान रुक्मिणी की शादी होगी, अगर आप लोग कोई सूट सलवार नहीं तो अगर कोई साड़ी लाओगे ना, हम वृंदावन में राधा रानी को अगर कोई अच्छे साड़ी लाओगे तो हम राधा रानी को वहाँ पर पहनाएंगे, देख लेना तुम्हारी जैसे सुविधा। ठीक है, बोले गिरिराज महाराज की। जो से बोलो जैसे ये आवाज़ गिरिराज तक पहुँच जाए, जो जितना गिरिराज की जयकार देगा ना, गिरिराज तो जय है, जो जय देता है उसका ही जय होता है। बोले श्री गिरिराज महाराज की कहते भागवत में गिरिराज पूजा की बड़ी महत्व है। आप लोग कोई गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए कर कर गए होंगे, आप देखना जब गिरिराज परिक्रमा करते होंगे देखना जो गिरिराज की जो शिला देखोगे एक ऊपर एक रखे हुए देखे हो, जानते हो क्यों रखते हैं, मतलब जिसको जितनी मंजिली मकान चाहिए वो शिला के ऊपर में जितने शिला रख देते हो ठाकुर जी उतना मंजिली
मकान पे जाते हैं। आप देखना पेड़ में धागा बंधा हुआ देखोगे, देखे कि नहीं। कारण क्या, जिससे बेटे की बेटी की शादी नहीं होती है, जिनकी बेटा का नौकरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही है, अगर क्या मेहनत करके आए, परिक्रमा लगाए, दूध के अभिषेक करे ना, उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब जो कुछ गिरिराज से मांगो गिरिराज सो दे देते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, जैसे कोई व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी उसको पीछे पीछे परिक्रमा करते हैं। क्यों? बोले मेरे इतने कष्ट करके परिक्रमा करना है, वैसे क्या मांगेगा, जो मांगेगा उसको मैं सो दो दूंगा। इसलिए गिरिराज की इतने महिमा, इतने महिमा क्यों कहते, गिरिराज की पूजा पहले किसने करवाया? कृष्ण ने स्वयं किया। बांके बिहारी स्वयं, दुनिया बांके बिहारी की पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसकी पूजा की? गिरिराज की। दुनिया बांके बिहारी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसकी परिक्रमा लगाई? गिरिराज की, ब्रजवासियों को लेकर के। इसलिए ये गिरिराज की इतने महिमा। ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये कोई पहाड़ मत समझो। ये गोलोक वृंदावन से जब भगवान आए, तब उसको उन्होंने अपना गोलोक वृंदावन से ही उन्होंने ये मर्त्य जगत में उतारे। बोले क्यों उतारे? कृष्ण राधा रानी के बोले, देखो राधे मेरे साथ में वृंदावन में चलोगे? राधा रानी बोली, मैं नहीं जाती हूँ। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, यमुना नहीं, और जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं जाकर क्या करूँगी? कृष्ण बोले, देखो राधे जब मैं ये मर्त्य जगत में जाऊंगा, संपूर्ण ये गोलोक वृंदावन को मैं उतार लूंगा। इसलिए गिरिराज स्वयं भगवान की दिव्य धाम से ये मर्त्य जगत में आए हैं गिरिराज गोवर्धन। यदि गिरिराज गोवर्धन कौन है, ये पुराण में कथा आती है। देखो ये ब्रज की कितने महिमा। एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों कठोर तपस्या की, किसकी? बांके बिहारी की। जब ठाकुर जी संतुष्ट हुए, बोले ब्रह्मा को क्या चाहते हो? बोले प्रभु अगर ब्रज में पहाड़ रूप में हमारी जन्म हो जाए, आप हमारे सर को पर लीला करें, आपका चरण स्पर्श मिलेगा तो धन्य हो जाऊंगा। इसलिए स्वयं शंकर जी ये नंदगांव बने। नंदगांव गए कि नहीं? कौन कौन नंदगांव गए हो? वो नंदीश्वर पर्वत हो स्वयं शंकर जी। बरसाना गए कौन? कौन बरसाना गए? कहते ये स्वयं ब्रह्मा जी। गिरिराज कौन गए हो? गिरिराज जी। वो गिरिराज नहीं, वो स्वयं विष्णु है। एक स्वरूप में विष्णु, दूसरे स्वरूप में गिरिराज स्वयं बांके बिहारी। कृष्ण ही ये गिरिराज रूप धारण किया। आप लोग गिरिराज में गए होंगे, एक विशेष चीज ध्यान दो, कोई भी आप पहाड़ देखोगे ना, उसका सर ऊंचा देखोगे। कहीं भी पहाड़ का कोई भी एक टुकड़ा स्पर्श करोगे खसखस होगा, लेकिन आप गिरिराज की कोई भी एक टुकड़े लो, आप ऐसे हाथ लगा कर देखोगे ना, लगेगा जैसे उसमें कोई तेल में स्नान कराया, घी में स्नान कराया। कोई भी टुकड़ा लोगे मुलायम लगेगा। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी जब गिरिराज में ऊपर में गए, ठाकुर जी वंशी ध्वनि की, आप देखे ना गिरिराज में जाकर, तो दूसरा बार ध्यान देकर देखना, देखोगे गिरिराज जैसे पिघला हुआ रूप है, क्योंकि जब भगवान बंसुरी बजाए, बंसी ध्वनि से गिरिराज द्रवित तो हो गया। आप इस बार जानकर ध्यान देखना, जैसे कीचड़ हो जाता है ना, देखना गिरिराज एकदम पिघला हुआ रूप में देखोगे। क्यों? ये स्वयं भगवान है, ये भगवान स्वयं गिरिराज जी, गोवर्धन स्वयं कृष्ण है गिरिराज जी। इसलिए एक समय भगवान एक समय मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी बना रही थी। कृष्ण बोले, मैया मैया क्या बात है, रात भर तू जगी जग करके ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही हो? क्या मेरे जन्मतिथि? बोले नहीं। बोले दाऊ भैया का? बोले नहीं। बोले फिर? बोले जा बाबा को जाकर पूछ। अब बाबा का गोद में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ ली। बोले बाबा, मैया रात भर ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है? क्या कल मेरी जन्मतिथि? बोले नहीं लाला। बोले फिर इसलिए बन रहे हैं? बोले कल हम श्री इंद्र पूजा करेंगे। बोले बाबा ये इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग का राजा है, इनके अधीन में मेघ रहता है, और हम लोग सबके सब ग्वाला, हमारा मूल धन गैया। क्योंकि इंद्र जब बारिश करता है घास उगता है, गैया घास खाते हैं, फिर दूध देते हैं, दूध से दही, दूध से मक्खन, दूध से राबड़ी, दूध से मिठाई, जो कुछ दूध से। इसलिए गैया जो गोप का जो मूल धन ये गाभी है, जिसको पास में जितने गैया ना उतना बढ़ाते हैं। इसलिए बोले गो धन है, गो धन है। जब उन्होंने ये बात बताए, लेकिन कृष्ण क्या चाह रहे थे? ये
गिरिराज गोवर्धन पूजा को प्रारंभ करें। गिरिराज गौर ये साक्षात भगवान विष्णु, ये भगवान कृष्ण, और ये हमारे सारी इच्छाओं को ये गिरिराज पूरी करते हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे थे गिरिराज की पूजा को प्रवर्तन करे ये ब्रजवासियों को बता नहीं। कृष्ण ने कहा पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन दर्शन कर रहे हो इसको पहाड़ मत समझो पिताजी, ये ब्रज की राजा हैं। बताओ गैया घास कहाँ खाते हैं? गिरिराज से तो खाते हैं। पानी कहाँ से पीते हो? झरना से तो पानी पीते हैं। वहाँ पर कुसुम सरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा। हाँ मानसी गंगा कौन है? ये मानसी गंगा जो ब्रजवासी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे बहुत दूर था, कृष्ण अपना मन से मानसी गंगा प्रकट कर दिया। राधा कुंड श्याम कुंड कौन है? कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है राधा कुंड श्याम कुंड में, जो व्यक्ति राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करते हैं सारे तीर्थ में स्नान करने का उसको फल मिलता है। आपको जो बताया ना 8 दिन में परिक्रमा है, इतने चीज देखोगे जो सोच नहीं सकते हो। वहां पर आदि आदि केदारनाथ बद्रीनाथ, यहाँ से आदि केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत दूर है, लेकिन ब्रज में साक्षात बद्रीनाथ केदारनाथ स्वयं है। चारी धाम दर्शन करने को मिलेगा सब कुछ। लक्ष्मण झूला कहते गंधमार्दन पर्वत जो 84 करोड़ से परिक्रमा करोगे ना 8 दिन में, आप सोच नहीं सकते कितने स्थान आपको दर्शन मिलेगा, क्योंकि पूरा 1.5 महीना की परिक्रमा ये 8 दिन में परिक्रमा होगा। 8 दिन में कहते इसको जो एक बार परिक्रमा करेगा ना 84 लक्ष ज्योनि भटकना खत्म, क्योंकि ये 84 ब्रजमंडल है। हम भगवान को भूल करके ये 84 लक्ष ज्योनि में भ्रमण कर रहे, बहुत महत्व है। इतने कथा सुनोगे, इतने चीज दर्शन करोगे। कृष्ण कहाँ गैया चराते थे, कहाँ पेड़ पर खड़े होकर गैया को हांकते थे, कहाँ पर उन्होंने बंसी बजाई पूरा पहाड़ के पहाड़ एकदम पिघल गया, पानी हो गया। इतने बड़े बड़े कृष्ण के चरण चिन्ह दर्शन करने को मिलेगा। इतने दर्शन करोगे 8 दिन में ना 1.5 महीना का दर्शन होगा। इसलिए कोशिश करना जीवन में, कितने विदेश लोग देखोगे परिक्रमा करते हुए, वो विदेश से आते हैं परिक्रमा करने के लिए, लेकिन तुम लोग भारत में जन्म लिए ना बाहर अपना घर छोड़कर कुछ जाते हैं। हाँ कहते पैसा भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं मुझे लगता है, उसमें 2-3 तरह का बताया। जो बस में जाएगा शायद 5,000-5,500 कुछ है, फिर जो छोटी गाड़ी में जाएगी और एक एक दो दो व्यक्ति रहेगा उनके लिए थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे कम है रहने का खाने का बस का, तीनों चीज़ मिलेगा 5,500 रुपये में। वो सारे चीज़ें आपको 7-8-9-10 दिन करके लग जाएगी, 8 दिन के लिए सबके सब उसी के अंदर में, पूरा की पूरा उसकी अंदर में ही है। इसलिए तब उन्होंने बोले देखो लाला ये जो गिरिराज ये हमारी साक्षात देवता हैं। कृष्ण ने कहा पिताजी ये बताओ कब से इंद्र पूजा कर रहे? बोले बड़े दिनों से। बोले जब आप भोग लगाए कभी इंद्र को दर्शन किया? बोले नहीं। बोले बाबा जब ये गिरिराज की पूजा करोगे ना साक्षात गिरिराज प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, आपका सब कुछ खाएंगे, और जो आप मांगेंगे गिरिराज धन दौलत पुत्र परिवार सब कुछ गिरिराज तुम्हारी झोली भर देंगे। अरे लाला हमने तो कभी भगवान को देखा ही नहीं, इन्हीं आंखों से गिरिराज दर्शन होगा। बोले हाँ पिताजी। बोले फिर तो कल हम श्री गिरिराज की पूजा करेंगे। पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दिया, ब्रज में 365 गाँव है, तरली बरली सही ऊंचा गांव नीचा गांव नंदगांव बरसाना, अभी भी देखोगे ब्रज में 84 वर्ष में 365 गांव। जब परिक्रमा में जाओगे ना देखोगे सारे गांव भी देखोगे वहां पर, और वहां मान सरोवर है वहां पर देखोगे हैं। मान सरोवर जाने के लिए कितना 1,00,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन ब्रजमंडल परिक्रमा में मान सरोवर ही वहां देखोगे जहां पर देवता लोग अभी भी उतर कर वहां सभा करते हैं। बहुत सारी चीज देखोगे, इतनी बढ़िया चीज देखोगे 1.5 महीना के 8 दिन में। जो जाना कल तय कर लेना, कल नाम बोलोगे तो फिर हम नाम लेकर के उनके ऐड कर देंगे, ठीक है? अभी उन्होंने जब बोले बोले ठीक है लाला कल हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। अभी जितने ब्रजवासी मालपुआ लड्डू कचौड़ी 4 तरह का चावल बनाए, क्या क्या चावल बनाए? बोले एक फीकी चावल, एक नमकीनी चावल, एक मिट्टी चावल, एक मटर पनीर। आपने कितने तरह का बनाया? के 2 तरह का कढ़ी बनाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। राड कढ़ी बगर पकड़ोगे। बोले सुहागिनी कढ़ी जिसमें
पकौड़े डाल करके दो तरह के चूरमा बनाए, एक हंसना एक रोना। यहाँ पर कोई राजस्थान के कोई है क्या? राजस्थानी हो इनको पता है, इसलिए कहते दो तरह का चूरमा, कहते एक हंसना एक रोना। हंसना मतलब पतल में रखते जो खेल जाए, रोना मतलब इतने घी घी जिसमें टपकता है, हैं? इसलिए दो तरह का लड्डू वहाँ पर, तो दाल बाटी चूरमा बनाए। पृथ्वी में जितने तरह का खाना है ना वहाँ पर सबके सब बनाए, और इतने बनाए पूरा गिरिराज। अन्नकूट, अन्नकूट मतलब कूट मतलब पहाड़, और अन्न मतलब अन्न का पहाड़। इतनी सब्जी दाल मिठाई मालपुआ बनाए, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया। कृष्ण अपना हाथों से उन्होंने गिरिराज के अभिषेक किया पंचामृत से, और जितने सब खाना लाए थे ना सबने तुलसी पत्ता दे दिया। भैया सबको तुलसी पत्ता दे दो, सबके तुलसी पत्ता दे दिया। और कृष्ण जब गिरिराज के आह्वान किया, हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके इसको सेवा करो, जब उन्होंने बताया ना आप गिरिराज आप स्वीकार करो, सचमुच से सबके से ब्रजवास देख रहे थे गिरिराज इतने विशाल रूप लिया जैसे आकाश को स्पर्श कर रहे थे, और उन्होंने दोनों हाथ को बढ़ा बढ़ा करके सब कुछ खा रहे थे, मिनट में सब कुछ खा लिया। बोले आन रे और ले आओ और ले आओ। ब्रजवासी बोले ठाकुर जी हम गरीब ब्रजवासी आप इतने में खुश हो जाओ। ठाकुर जी खुश हो गए, देखो ये ठाकुर जी वरदान किया दिखा, भगवान वरदान दिया, ठाकुर के मुँह से निकली हुई वाणी। कभी ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न की दाना, एक अन्न की दाना जिसने ये अन्नकूट महोत्सव में दिया है, भगवान कहते हैं एक जीवन नहीं किसी जीवन में तुम्हारी घर में दरिद्रता कभी नहीं आई, घर में अन्न और वस्त्र तुम्हारे घर में भरपूर रहेगी। ये गिरिराज के मुंह से निकली हुई वाणी। अगर आप कभी भी 12 महीना में कभी भी आप जाओगे ना, कहाँ कहाँ दूर से विदेश में लोग आते हैं वहाँ पर छप्पन भोग लगाते हैं, जिसका जो इच्छा पूरी हो जाते हैं आकर गिरिराज की 12 महीना अन्नकूट चलती रहती है। कहीं भी कब जब जाओ देखो अन्नकूट महोत्सव, क्यों गिरिराज सबकी भंडारा को भर देते हैं। गिरिराज इतने महिमा, ये जो परिक्रमा होगा ना इसमें भी हम परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा भी उसमें रहेगी। पूरा जी बोला हमने गिरिराज की हम परिक्रमा करेंगे गिरिराज की। इतने में कृष्ण ने कहा ब्रजवासी हो चकाचक भजन करो, भजन कर खाओ, और जो बड़े बूढ़े हैं ना उनको बैलगाड़ी में बैठा दो, और जो जवान हैं और खाते पीते चलते चलते गिरिराज की कीर्तन करते करते सबके चलो। इसलिए आगे कौन चल रहे थे? आगे जितने संत ब्राह्मण चल रहे थे, उसको पीछे कौन चल रहे थे? जितने कृष्ण की गैया। बोले सबसे पीछे कौन चल रहे थे? बोले माताएं और राधारानी अपनी सखी को साथ में सबसे पीछे चल रही थी। जब थोड़ी दूर परिक्रमा करके गई ना राधा रानी सबसे पीछे, राधा रानी सोच रही है कृष्ण बीच में। बोले देखो मैं तभी मानूंगा मेरी ये प्रियतम है अगर कृष्ण मेरे को एक बार दर्शन दे। अभी राधा रानी के मन की भावना कृष्ण समझ गए, कृष्ण तो बीच में राधा रानी पीछे दर्शन कैसे दे। इतने में कृष्ण ने क्या किया, जो गैया चराते हुए जो लपटी है उसको उन्होंने कुछ ऊपर में फेंके, फेंक करके अपना बहादुरी दिखाने के लिए, जब छलांग लगाने के लिए उन्हें छलांग लगाई ना राधा रानी पीछे और कृष्ण कृष्ण बीच में, फिर दोनों का आंख मिल करके एक हो गया। और कृष्ण का जो लपुट थी, लपुट में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, कृष्ण जब ये लपुटी को ऐसे ऊंचाई की ना कृष्ण का परछाई कहाँ पर पड़ा, जो हीरे जवाहरात में पड़ा, और राधा रानी वहीं से ही कृष्ण को रूप के दर्शन की। जब थोड़ी दूर फेर गए फिर राधा रानी सोच रही है अगर श्याम सुंदर सचमुच से मेरे प्रियतम है, मैं चाहता हूँ कृष्ण मेरे को थोड़ा स्पर्श भी करे। अब कृष्ण कैसे स्पर्श करे, कृष्ण बीच में अब राधा रानी सबसे पीछे। कृष्ण ने क्या किया कि बछड़े का मुंह पीछे कर दिया और उसका पूंछ को उन्होंने ऐंठ दिया, ऐंठ दिया तो बछड़ा खुदकते हुए पीछे चला गया, और कृष्ण बछड़ा का बहाना बना करके पीछे गए और राधा रानी को उन्होंने स्पर्श कर दिया। अरे राधा रानी तो प्रेम में गदगद हो गई राधा रानी। ऐसे करते करते पूरा परिक्रमा लगाए, भजन करते करते अभी हमारे प्रभु जी बड़े सुंदर गिरिराज की भजन गाएंगे। जो नाच सके गिरिराज की भजन में जो नाचेगा ना 84 लाख पे जोड़ी नाचना खत्म, फिर तुमको कहीं दुख रूपी संसार का नाच तुमको नाचना नहीं पड़ेगा, जीवन में आनंद आनंद में रहोगे, ठीक है। और कल जिसकी इच्छा होगी, देखो भागवत का सार ठाकुर का नाम है, अगर पूरी कथा सुन करके प्रभु का नाम में रुचि हो गया ना ये समझना पूरी भागवत कथा सुनने का तुमको फल मिल गया। अगर पूरी कथा सुन लिया लेकिन प्रभु का नाम में रुचि नहीं, समझो तुमने कथा सुनी नहीं,
इधर सुने और उधर निकाल करके चले गए, तुमने कथा सुनी नहीं। सुनना मतलब अपना जीवन में उतरना। और एक चीज है, देखो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, माता जी क्या नाम तुम्हारी? देखो जो माता जी पूनम दीदी, इन्होंने जो कथा रखवाया, आप लोग जो इतने आनंद ले रहे हो, जो प्रसाद पा रहे हो, माता जी ये सब माता जी व्यवस्था कर रही हैं, इनकी पूर्वजों को आत्मा को शांति मिले इसलिए कर रहे हैं। इसलिए इनमें एक है मदन लाल सेठ जी, इंदिरा सेठ और राजेश सेठ, जिनका तस्वीर यहाँ रखा हुआ। जैसे आप लोगों ने आज हरिनाम किया है ना, देखो आप लोग जो हरिनाम किए हो इसका फल आप लोग इनको दो, लेकिन ये मत समझो जैसे इनका फल दिया मेरे खत्म हो गया, नहीं। भगवान का नाम को जो जितना देता ना बढ़ता है, संसार का चीज कम हो जाती है, लेकिन ये भगवान के प्रसाद और नाम जो जितने विकर्ण करेगा उतना बढ़ेगा आपको, कभी ये घटेगा नहीं। हम चाहते हैं इनकी आत्मा को ठाकुर जी शांति दे, कहीं भी हो इनको भगवान के चरण में भक्ति हो और जीवन में शांति मिले। आप लोग जो अभी हरिनाम किया है ना, आप लोग हृदय से ये हरिनाम का जो फल है, आप लोग हृदय से उनको अर्पण करो और इसी भाव से इनकी सद्गति हो जाए, इनके कल्याण हो, इनको मुक्ति मिले। आप लोग हृदय से ये नाम को इनको अर्पण कर, ठीक है? कौन कौन किया है? बोले जितना दोगे ज्यादा फल मिलेगा, ये मत समझो मेरी चली गई, चली जाएगी नहीं। भगवान नाम जितने से मैं प्रभु का नाम दे रहा हूँ ना, मेरी थोड़ी घट रहा है, दिन अधिनो बढ़त सवार, ये भक्ति कभी बढ़ती नहीं, ठीक है? आप लोग हृदय से इसका फल दो, उनको शांति मिले। और देखो ये जो प्रसाद देना पड़े भोग लगने के बाद, वो सबको इकट्ठे रख लेना और वहाँ पर रख लेना, सबको गिरिराज की प्रसाद सबको मिलने चाहिए। यहाँ पर देखो इधर, कल है ना मेरे को बोल रहे थे यहाँ के भक्त बहुत अच्छे हैं। बोले क्यों? बोले सबके सब लाइन में लग करके प्रसाद लेते हैं, सबके सब लाइन में लग करके प्रसाद देते हैं और सबको प्रसाद मिलता है। प्रसाद काम नहीं बने माता जी, थोड़ी सी कभी काम हुआ, बोले नहीं डबल बनाएंगे सबको प्रसाद, डबल बनाएंगे सबको प्रसाद मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग लाइन करके लेंगे तो, लाइन करके लेंगे तो आपको। और देखो कल जो कथा है, कल की कथा के सबसे ज्यादा महत्व, बोले क्या महत्व है? ये जो भागवत कथा को ये कल्पतरु बताया, कल्पतरु मतलब है अगर जो व्यक्ति सात दिन कथा सुनता है, जो कुछ आप मांगो, जिनके संतान नहीं संतान देते हैं, जो निर्धन उनको धन मिलता है, जो दुखी उनको सुख मिलता है, हैं ये भागवत से सब कुछ उसको मिलता है। लेकिन जो सात दिन तक तो आधा सुने आधा नहीं सुने, लेकिन कल की कथा जो पूरी सुनेगा, ये सात दिन कथा सुनने का फल मिलेगा कल। इसलिए कल कोशिश करना जल्दी आने के लिए, क्योंकि कल का कथा पूरी सुनोगे तो मैं लास्ट में एक सुंदर कथा सुनाऊंगा, जो एक छोटी सी कथा सुनने से सात दिन कथा सुनने का फल मिल जाएगा। इसलिए कल थोड़ी सी जल्दी आइयो, बाद में नहीं आना। जैसे सिनेमा देखने के लिए जाते हो, कब जाते हो? बीच में ना, लास्ट में, पहले जाते हैं ना, लाइन लगाते हैं। गिरिराज कहाँ है? कल लेकर के आओ ना गिरिराज जी। आज हमारे जेपी भैया ने बड़े सुंदर गिरिराज बनाए, उनके लिए मैं ताली बजाओ। बड़े सुंदर गिरिराज बनाए, जब गिरिराज बोले आप जल्दी से लेकर आ जाओ। और देखो इधर सुना, अरे ध्यान देकर सुनो, जैसे गिरिराज है यहाँ पर, जो गिरिराज को हम बीच में रखेंगे और ठाकुर जी को बीच में रखेंगे, कोशिश करना परिक्रमा लगाने के लिए, कम से कम उसको चार बार परिक्रमा लगाना, ठीक है ना? अरे गिरिराज परिक्रमा का फल मिलेगी। किसने किसने बनाया? किसने बनाया? कौन 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 हाथ उठा? और जेपी भाई की पत्नी बनाई, बनाया पत्नी और जेपी का नाम हो गया।